नमो भित्रागाय नमो अरिहंतारम नमो नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयहियानम नमो आयहियानम नमो वज्जायानम नमो वज्जायानम नमो लोये सपसाहुनम नमो लोये सपसाहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो सब पाव प्रणासनो मंगलानंच सवेसिं मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ विद्राक शासन देवी देवताओं को विद्राक शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत भर के संत पुरुषों का योगवन जगत भर के संत पुरुषों का योगवन जगत भर के सत पुरुषों का योगवन जगत भर के सत पुरुषों का योगवन और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगवन और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगवन समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम सत्यदेव 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 परम सत्यदेव 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 जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंग है त्रिश कोटि
विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशिषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ दो व्यवहार सदबुद्धि हो निश्चय में अभिप्रूति दो जय सच्चिदानंद 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 हे श्री पद्मावती मां हे श्री चकेश्वरी माँ हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी शाद्वाद वाणी शाद्वाद वर्तन और शाद्वाद मनन करने की परम शक्ति जीव जय सच्चिदानंद हमारी भारतीय संस्कृति का बीज क्या है हमारी भारतीय संस्कृति का बीज है जियो और जीने दो हमको भी जीने का अधिकार है और दुनिया के सभी जीवों को भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है ये हमारी भारतीय संस्कृति है इसका दूसरा नाम है वसुधैव कुटुम्बकम पूरा जो विश्व है पूरा विश्व है वो ही हमारा कुटुंब है और इसीलिए हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की जो महानतम संस्कृति है वो हमारी परंपरा है तो हमारे ऋषि मुनियों ने साधु संतों और सन्यासियों ने हमारे पूर्वज महान पुरुषों ने सामाजिक रिफॉर्मर
सोशल रिफॉर्मर, ये सभी ने यही बात बताई कि अगर संसार में जीना है तो मानवता के साथ जीओ, और मानवता के साथ किसी को भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटी, हम सब इंसान हैं और एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करें, ये हमारी मानवता की संस्कृति है। और इसीलिए इस संसार में जब हमको एक सामाजिक प्राणी के रूप में जीना है, एक इंसान के रूप में जीना है, तो हमारी संस्कृति ने यही बताया कि हम कैसे भी करके मन से, वचन से और काया से किसी को दुख देने की भावना भी न करें, ये हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति से हमारा जीवन चलता है, मगर काल क्रम के आधार से, और अभी जब सत्ययुग नहीं मगर कलयुग है, तो कलयुग के अंदर क्या हो गया, लोग इतने स्वार्थी बन गए। क्या बन गए? स्वार्थी बन गए, खुद का ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं। सब लोग को ये लगता है ये तो मेरा जीवन है, ये तो मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा साधन है, ये डिग्री मेरी है। कुदरत कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या बताया? तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मैंने दिया है जो पंच महाभूतों से बना है, ये शरीर भी मैंने दिया है क्योंकि पंच महाभूतों से बना है, और शरीर के साथ आपको जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक भी मैं देता हूं, यस और नो? और गोल्ड और सिल्वर और डायमंड मेरा है, कुदरत का है कि नहीं? और जो आपको एजुकेशन मिलता है, डिग्री मिलती है, वो टीचर प्रोफेसर आपको देते हैं, आपका क्या है? कमाई करते हैं, पैसा समाज से मिलता है, आपका क्या है? आप समझो, आपने अपनी बुद्धि से, मेहनत से या तो पुण्य से जो कुछ भी चीज प्राप्त किया है, इसमें कोई मना नहीं करते हैं, मगर कुदरत कहता है आप इसका यूज कर सकते हैं, मालिक की भाव नहीं कर सकते, क्योंकि न पहले था और न बाद में रहेगा। बात सही है कि नहीं है? नहीं ये मकान, नहीं ये पैसा, नहीं ये संपत्ति, नहीं ये डिग्री, न पहले मेरे पास थी और नहीं बाद में रहेगी, ये जीवन के दरमियान है। और जो कुछ भी मिला है कितने लोगों के सहयोग से मिला है, बराबर है कि नहीं? हम आज ग्रेजुएट हुए तो कितने सारे टीचर ने हमको पढ़ाया, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार के लोगों ने कितनी हेल्प किया, हमारे भाई बहन ने कहो, फ्रेंड कहो, नेबर कहो, सबने हमको हेल्प किया, तभी हम ग्रेजुएट बने। और बन जाने की बात कहते हैं, मैं ग्रेजुएट बन गया, आप कैसे बन गए भाई? इतने सारे लोगों का सहयोग से आप ग्रेजुएट बने, तो कहने का मतलब है सबका रोल है, तो इसमें आप मालिक ही मत करो। क्या बताया? आपने मेहनत किया तो डिग्री मिली, मगर इनको भूलो मत, जो माता पिता ने आपको खाना खिलाया, फीस दिया, मैं पढ़ाई के लिए मेहनत किया है, उनका भी सम्मान करो, टीचर और प्रोफेसर का भी सम्मान करो, अपने आप गौरव लेने की कोशिश मत करो, यही तो अहंकार है। क्या है? यही तो अहंकार है, और यही अहंकार से इंसान गिर जाता है, कुछ भी नहीं। कोई कहता है मेरे पास इतना पैसा है, कोई कहता है मेरे पास इतना ज्ञान है, कोई कहता है मेरे पास इतनी सिद्धि है, आखिर किसकी है ये सिद्धि? कुदरत की तो है, तुम्हारे तो नहीं है, तुमने तो पाई है, मगर है किसके? तुमने पैसा पाया, है किसका? आप तो लेके नहीं आए थे,
डिग्री भी आप लेके नहीं आए थे, मगर ये जो माली की भाव करते हैं पर यही अहंकार है। तो सबको रिस्पेक्ट करो, किसी ने चाय भी पिलाया है तो उनको रिस्पेक्ट करो। आज मैं जो कुछ भी हूं वो हजारों लोगों के सहयोग से भी हूं, यही लक्ष्य रखो और बाद में इसमें से मैं क्या और लोगों को बांट सकता हूं, इतना प्रयास करो। जो पाया है हजारों लोगों के सहयोग से वो मैं कैसे बांटूं, किस प्रकार से बांटूं, वो लक्ष्य में रखो। आप समझे? तो कहने का मतलब ये है, महान पुरुष वो यही करते थे और यही कहते थे। हमारे कबीर जी ने ये कहा, खा पी खिलाई दे कर ले अपना काम, बाकी रहे ऋण अनु संग न चले बादाम। एक बादाम भी साथ में नहीं आने वाली। जो समाज में से आपको मिला है वो समाज में बांटते रहो, तन से मन से धन से जो कुछ भी कहो बांटते रहो। बांटोगे तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। बेचोगे तो कम होगा, क्योंकि आपने वैल्यू ले लिया है। बांटना और बेचने में बहुत अंतर है, सेल करना और शेयर करना दोनों में बहुत अंतर है। तो ज्ञानी पुरुष हर समय यही बात करेंगे, आपके पास जो है वो बांटते रहो, क्योंकि मिला भी है लोगों के पास से, आप ऊपर से लेकर नहीं आए, और उसी में आनंद है, उसी में आनंद है, और उसी में एक दूसरे से प्रेम होगा, तनाव नहीं होगा, किसी के लिए ईर्ष्या वैर्य नहीं होगा। और हमारे हिस्ट्री तो पढ़ेंगे तो जो हमारे महान पुरुष जो हो गए, आपने सब नाम सुना होगा, वीर भामाशाह, वो क्या करते थे, उनके पास जो संपत्ति थी वो समाज के लिए दे दिया। ऐसा नहीं किया कि मैंने दिया है, मिला भी समाज से है, पुण्य से मिला है, मगर समाज में से ही मिला है ना, और मैंने समाज को बांटा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी उनकी एक महानता है, क्योंकि माली की भाव नहीं किया तभी वो उसको बांट सके, अगर माली की भाव करेंगे तो नहीं बांट सके। तो कुदरत यही कहती है, अगर समाज में उत्थान करना है, समाज का उत्थान करना है, आम लोगों के विचारों को विशाल बनाना है, संकुचित नहीं बनाना है, तो जो भी है वो बांटते रहो। क्या बताया? बांटते रहो। एक उम्र होती है पैसा कमाने की, घर परिवार चलाने के लिए, वो भी करो, मना नहीं करते, मगर छोटे छोटे व्यक्तियों को जितना हो सके इतना हेल्प करो। ये लारी वाला, ऑटो वाला, कोई मजदूर आपके पास आता है, वो मजदूरी करता है, क्या करता है, वो बंगला के लिए नहीं करता, अपने पेट के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, ठीक है। अगर उन्होंने 25 रुपया के बजाय 30 रुपया मांग लिया तो पहले रिक्वेस्ट करो कि 25 रुपया होता है, फिर बोला नहीं नहीं साहब 30 रुपया होता है, तो 30 रुपया दे दो, वो बंगला नहीं बनाएगा। आप समझो, आप समझे ना, 5 रुपया ज्यादा दोगे तो बंगला, वैसे भी हम बड़ी बड़ी होटल में जाते तो 5-5 रुपया टिप दे देते हैं, वो मानते भी नहीं है और वो गरीब भी नहीं। आप समझो, तो गरीब को अगर 5 रुपया भी जानबूझ के ज्यादा दोगे, जानबूझ के 25 मांगो और 30 दोगे, तो आपका उपकार नहीं मानेगा, वो कहेगा कि आपका कल्याण हो, भला हो, मंगल हो, यही भावना करेगा, कीमत 5 रुपये की नहीं है, उनके भाव की कीमत है। और आप होटल में 50 रुपये भी दे दोगे टिप, कोई वैल्यू नहीं है आपके, क्योंकि वो मांगते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बोला हमको तो पगार मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी चीज में बांटते रहो, बस अपनी मर्यादा को ध्यान में रखें, इसमें कचकच मत करो। बड़ी बड़ी बातें हैं, वहां जाना है और सोफा खरीदना है तो वहां बार्गेनिंग करो, वो बड़ी कंपनी वाला व्यक्ति है। आप समझे, छोटे व्यक्ति के साथ क्या करोगे, वो पेट के लिए करता है, क्या करता है। तो ये बात जीवन में ध्यान में रखो, जितनी आपके अंदर मानवता बढ़ेगी ना इतना आप सॉफ्ट होंगे, क्या होंगे, नहीं तो अक्कड़ हो जाएंगे। अक्कड़ समझते हैं ना, मिला मेरे को क्या है, ऐसा नहीं कहो,
ये दुनिया जो है, ये समाज जो है, वो समाज के अंदर जो व्यक्तियां हैं तो पूरा समाज चलता है, तभी समाज में शांति रहेगी, नहीं तो अशांति रहेगी। कई लोग बहुत रिच हो जाएंगे, कई लोग बहुत पोर हो जाएंगे, ये असमानता ही गैर जर बढ़ाती है, क्राइम बढ़ाती है। तो समानता लाने की जरूरत है, क्या है? समानता। तो इसीलिए हमारा छोटा सा प्रयास क्या बताता हूं, छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा काम करता है, और आपका छोटा प्रयास वो हजारों लोगों को प्रेरणा देता है समाज को आगे ले जाने में। ऐसे करके करके हम अपने जीवन को मानवता से ऊपर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। जब हमारा मानवता का स्तर ही निम्न स्तर हो गया है तो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो अहंकार है और आपका जो पजिसिवनेस है, मेरा है मेरा है मेरा है, वो निकलेगा नहीं। और कुदरत तो साफ कहती है, क्या आपने पैदा होकर जो कुछ भी पाया है, सत्ता के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में, जो कुछ भी पाया पैदा होने के बाद, वो मरने से पहले छोड़ना ही है, इसमें कोई ऑप्शन बोलते नहीं है, है? तो जाना है वो तो कंपल्सरी है, आज जाए या बाद में जाए, तो हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं छोड़े? आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? इसमें टकराव करने की जरूरत और मालिक की भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन जो है, आप एवरेज, उसकी एवरेज निकालोगे तो मालूम होगा कि हमारा जीवन 70-75% 80% छोटे छोटे व्यक्तियों के साथ बीतता है, मध्यम वर्ग के लोग या लोअर मध्यम वर्ग के लोग बीतता है 80% 85%, 10-15% होते बड़े लोगों के साथ बीतता है। तो हम तो 85 की बात करते हैं, क्या करते हैं? 85 व्यक्तियों के साथ 85% लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो ताकि एक दूसरे में प्रेम और सद्भाव बने रहे और एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति को काम ले आए जितना हो सके। कोई व्यक्ति भूखा है तो हमने खाना खा दिया, हमने अच्छा किया, बस हम यही कह दें कि हम पूरी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं। आप समझे, आज आपने किया कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, ये मत सोचो कि हर रोज कौन खिलाएगा, भाई आज मैंने देखा तो मैंने खिला दिया, बहुत हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? बस तो छोटी बात है। देखो, जीवन में त्याग की भावना, मालिक की पर खत्म होने की भावना एकदम नहीं आती है। तो दादा भगवान जो थे वो भी कहीं, जो लोग कंजूस होते हैं, कंजूस समझते हैं, करकसर नहीं, कंजूस, बढ़िया लोग ज्यादा कंजूस होते हैं, करकसर तो अलग चीज है, करकसर तो होनी चाहिए, कंजूस नहीं होने चाहिए। तो कंजूस होते थे तो उसमें लोभ ज्यादा होते हैं, तो बनिया को बोलते थे कि अगर आपको लोभ निकालना है तो मैं आपको रास्ता दिखाऊं लोभ निकालने का, बोला तुम 1,00,000 रुपया डोनेशन करोगे लोभ नहीं निकलेगा। क्या बताया? 1,00,000 रुपया डोनेशन करोगे लोभ नहीं निकलेगा, मगर 1,00,000 रुपये का चिल्लर लाओ, क्या लाओ? और रोज 100 रुपया का सिक्का, 100 रुपया रखो सिक्का, 100 सिक्का आपकी थैली में, और थैली को कर दो काड़ा, छेद कर दो, और आप रास्ते में चलते जाओ, एक एक गिरता रहेगा, आप देते रहेंगे मगर लेने का नहीं, तो लोभ आपका कटेगा। 1,00,000 रुपया दोगे तो लोभ नहीं कटेगा। आप समझे, 1,00,000 बार 1 रुपया गया और फिर भी आपने छोड़ दिया, गया फिर भी छोड़ दिया, लिया नहीं, ये लोभ काटने का रास्ता है, या अमाउंट की बात नहीं है। आप समझे मेरा कहने का मतलब? तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ये रास्ता बताया, तो इन्होंने ये रास्ता बताया। मैं ऐसे कहता हूँ छोटे छोटे व्यक्तियों को हेल्प करो, कोई बेचारा गरीब है रिक्शा चलाता है, आप इसको पूछोगे क्या करता है, क्या कमाई करता है, क्या परिवार है, ऐसा पूछोगे तो मालूम हो जाएगा बेचारा बहुत गरीब है, उन्होंने 25 रुपया मांगा हमने 30 दे दिया, वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनको ज्यादा चाहिए नहीं। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? और हमारे लिए 5 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो कचकच करने की जो भावना थी ना छोटे व्यक्ति की, वो निकल जाएगी, और हमको इनके प्रति क्या रहेगा, एक प्रकार का सद्भाव रहेगा कि मैं कैसे भी करके उसको हेल्प करूं, मैं उसको नीचा नहीं दिखाऊं,
हेल्प करो, तो ये बड़ी बात है मानवता के लिए। और मानवता से ऊपर फिर आता है धर्म। क्या आता है? धर्म। धर्म के अंदर एक प्रकार का फॉर्मेट होता है कि आपको इसको भगवान मानना है, इसको गुरु मानना है, यही मंदिर में जाना है, यही मंत्र का उपयोग करना है और यही शास्त्रों को पढ़ना है, यही वर्तमान शिष्य गुरु को फॉलो करना है, यही रिचुअल्स को परंपरा को फॉलो करना है और यही संस्था को मानना है। तो बाद में धर्म आता है। क्या आता है? धर्म। धर्म में भी इंपॉर्टेंट बात है पाप और पुण्य। क्या है? पाप और पुण्य। और पाप और पुण्य की बात जो होती है वो हर धर्म में एक ही है, चाहे एंगल कोई भी है, कहानी कोई भी है, क्रिया कोई भी है, मगर आशय एक ही है, कैसे पाप बनते हैं और कैसे पुण्य बनते हैं, ये धर्म सिखाते हैं। मगर धर्म के अंदर धर्म भी अच्छा था, मानवता से ऊपर की बात धार्मिक थी, मगर धर्म ज्यादा टिका नहीं समाज के अंदर, क्योंकि समाज के अंदर धर्म ने कट्टरता बना दिया। क्या बना दिया? जो ओपननेस थी वो नहीं रखे। अगर कोई धर्मगुरु कहता है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं और आप प्रगति करो, मगर मेरे जाने के बाद और कोई धर्मगुरु आएगा तो उनके पास भी शिक्षा प्राप्त करके आप आपकी प्रगति करते रहना, तो ये धर्म का माहौल था, मगर आज वो नहीं रहा। आप समझे? बिगड़ गया। कोई भी धर्म गुरु आते हैं आखिर वो तो शिक्षा ही देंगे ना आपको, अच्छी बात करेंगे ना, बुरी बात करेंगे तो कौन जाएगा वो? तो इसीलिए ये मार्ग था, क्योंकि एक ही धर्म गुरु हर जगह हर समय जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर यही परंपरा थी, तो साधु तो चलता भला। क्या बताया? भाई आज यहां रहा, दो चार दिन खाना पीना खाया, समाज के लोगों को मार्गदर्शन दिया, वो आगे निकल गए। फिर कब आएगा? एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, हो सकता है, मगर इसके बीच हर धर्मगुरु आते रहते हैं, यही हमारी परंपरा थी। और सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति थी, मगर आज कट्टरतावाद के कारण ये संस्कृति खत्म हो गई। और इसीलिए ये कट्टरतावाद में विरोध में ही हमारी शक्ति खत्म हो गई। कुछ पानी की बात तो छोड़ दो, विरोध में शक्ति खत्म हो गई। आप समझे? एक संस्था का, एक समाज का, एक धर्मगुरु का विरोध करना, इसके लिए वॉच करना, इसके लिए आदमी को रखना, इसके लिए सब कुछ प्लान करना, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। बदौलत कोई अच्छे व्यक्ति की बात शांति से सुनो और जो आपको अच्छा लगे वो अपनाओ, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो, कौन कंपल्सरी बोलता है? आप समझे? हर व्यक्ति इंसान है और इंसान को कहीं भी से ज्ञान प्राप्त करने का, चाहे शिक्षा है, चाहे धार्मिक ज्ञान है, चाहे आध्यात्मिक है, चाहे सामाजिक ज्ञान है, कहीं से भी प्राप्त करने का अधिकार है, सबको अधिकार है कि नहीं? सबको अधिकार है कि नहीं? चाहे सामाजिक ज्ञान है, चाहे धार्मिक है, चाहे आध्यात्मिक है, कहीं से भी प्राप्त करने का अधिकार है। आपको देने का अधिकार है, हमको प्राप्त करने का अधिकार है, खत्म हो गया। मगर ये वाड़ाबंदी के कारण, कट्टरता के कारण आम आदमी हर व्यक्तियों का जो सत्संग प्रवचन नहीं सुनते हैं तो फिर बाद में उनकी सोच एकदम लिमिटेड हो जाती है और लिमिटेड सोच के कारण वो कट्टरता खड़ी हो जाती है। जैसे पानी होता है ना, बहता है तो अच्छा लगता है और जब उसका छोटा सा तालाब बन गया तो फिर क्या होगा? उसमें कीड़े बनेंगे, मच्छर बनेंगे, बास भी आएंगे इसमें। आप समझे? क्योंकि बंधियार हो गया है, ऐसे हो जाता है, अंदर भी विरोध और बाहर भी विरोध होता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ये सोच, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं ओपन माइंड रखो। क्या बताया? ये दुनिया का सनातन सत्य जानते रहो, समझने की कोशिश करो, उपयोग करने की कोशिश करो, अनुभव करने की कोशिश करो, और कोई भी साधु संत सन्यासी आए उसका सुनो, उसमें से जो अच्छा ही है
वो प्राप्त करो, और जो हमको पसंद नहीं आता है उसको छोड़ दो, कि काम करने की जरूरत नहीं है। वो भी नहीं कहता है कि मेरी सब बातें आपको स्वीकारनी पड़ेगी, आप समझे, तो हमको वो स्वीकार न स्वीकारने की बात नहीं है, मगर कम से कम सुनोगे तो उनकी बात से, इस एनवायरमेंट से आपको कम से कम कोई अच्छा संस्कार या ज्ञान तो मिलेगा। कुसंग से तो आप कम से कम दूर रहोगे, मगर ये कट्टरतावाद के कारण आज कुसंग इतना बढ़ गया आपके जीवन में। आप ऑब्जर्व करोगे कि गांव के अंदर अगर एक साल के अंदर अगर एक साल में 50 धर्म गुरु आते हैं अलग अलग समय के, और करीब एवरेज 3 दिन वो रुकते हैं, तो 150 डेज हो गए, तो कम से कम हर 2 या 2.5 दिन में एक संत यहाँ रहते हैं और आते हैं, एवरेज की बात करता हूँ। तो हमारे जीवन में इतने सारे दिन अगर धार्मिक वातावरण में जाएगा तो कम से कम हमारा मन कुसंग से तो दूर रहेगा। तो कहने का मतलब सोचो समझो, कट्टरता की जरूरत नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, वो वैर रखने की बात नहीं सिखाता है, मजहब कोई भी हो। तो ये बात है, तो ये मानवतावादी के ऊपर ये धार्मिक बातें हैं। तो धर्म के अंदर जब वाड़ाबंदी हो गई, वाड़ा संप्रदाय थे तब तो तकलीफ नहीं थी, मगर संप्रदाय में वाड़ाबंदी हो गई, बंदी समझते, बंदी का मतलब आपको आने के बाद इनकमिंग चालू है, आउट गोइंग बंद है, नहीं समझ में आया, बस वो वाड़ाबंदी हो गई, बंदी समझते, आप आ गए तो आगे में निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये वाड़ाबंदी होने के नाते फिर बाद में अंदर भी झगड़ा होने लगा और बाहर भी झगड़ा, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, अंदर वाले के लिए अच्छा नहीं है और बाहर वाले के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वातावरण ऐसा बनाओ कि जिसमें पवित्रता बनी रहे, मानवता बनी रहे, धार्मिकता बनी रहे, और धीरे धीरे हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े। कट्टरता बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई लेवल से जरूरी नहीं है, आप समझे। तो ऐसे करते करते पहले अच्छा इंसान बनो, और हमारे जो धर्मगुरु जो पहले थे जिसको हम भगवान कहते थे, भगवान ने ऐसी बातें नहीं बताई थी, मगर भगवान की परंपरा में जो धर्मगुरु हो गए उस सतयुग के अंदर, उन्होंने बताया कि आम इंसान जो सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ वो जीता है, तो उनके लिए आध्यात्म की बातें समझना इतना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने एक परंपरा बनाई कि आपको ये हर रोज ये धार्मिक क्रिया करनी पड़ेगी, भगवान का पूजा पाठ कहो, आरती कहो, या तो कुछ अच्छे सूत्र बोलने का है, अच्छे भजन बोलने हैं, भक्ति करना है, ध्यान करना है, किसी के लिए अच्छी भावना करना है, ये सब बताया अलग अलग समय पे महान पुरुषों ने। ऐसे करते करते आपका चरित्र बाहर का बनाओ, और फिर बाद में बाहर का चरित्र अच्छा रहेगा, और इसमें आध्यात्म डालोगे तो आपकी प्रगति आसान हो जाएगी। तो ये हमारी परंपरा थी, और हर धर्म में ये बात बताई थी, एक धर्म की बात नहीं थी। मगर आज क्या हो गया, कंपटीशन एंड कंपैरिजन हो गया, तुम्हारे में क्या अच्छा है वो छोड़ दो, बुराई क्या है वही दिखती है, क्या दिखती है आप समझे, बुराई क्या है वो तो बताएगी, भी तुम्हारे में अच्छा है वो देखो, फिर बुराई को छोड़ दो, दूसरे में अच्छा है वो पकड़ लो, तकलीफ क्या है आप समझे। तो बुराई बताने से आपके अंदर नेगेटिविटी खड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता खड़ी हो जाती है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। करना, करवाना और अनुमोदन करना तीनों कुदरत के अंदर जिम्मेदार है। अगर किसी के अंदर आप नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं कोई भी प्रकार से, इसके लिए आप जिम्मेदार हो कुदरत के कानून के आधार से, ये आपको राइट नहीं है। सही कहना है तो कह सकते हैं, और नहीं कह सकते तो मऊ रहो, कोई तकलीफ नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कहना ही पड़ेगा नहीं, मगर कम से कम नफरत तो मत फैलाओ, आप समझे, ये किसी के लिए हितकारी नहीं है। इसके ऊपर आएगा आध्यात्म का मार्ग। आध्यात्म का मार्ग जो है वो कौन सा मार्ग है कि जिसके आधार से
हम ये दुनिया की सच्चाई को जाने, शाश्वत सच्चाई, कैसे सनातन, ये दुनिया की सनातनता जाने, और ये जानने के बाद हम ये दुनिया को एक विशाल रूप में समझने की कोशिश करें कि आखिर हम क्या है, व्यवहार से हम क्या है, निश्चय से हम क्या है, और ये दुनिया क्या है, ये रिलेशन क्या है, ये साधन संपत्ति संबंध क्या है, ये संपत्ति क्या है, ये सब समझने की कोशिश करो। ब्रॉड विजन से क्या बताए, विशाल दृष्टि से समझने की कोशिश करो। तो आखिर ये दुनिया कुछ नहीं है, एक दूसरे को लेन देन की असर है, यहां लेना यहां देना, यहां लेना यहां देना। माँ बाप कहते हैं हम पैसा कमाते हैं नौकरी करके, जॉब करके, बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, माँ बाप कहते हैं। तो अपना विजन ब्रॉड बनाओ, और ब्रॉड बनाने के बाद समझने की कोशिश करो कि जब पैदा होने के बाद ही जब माता पिता है वो भी मेरे को मिला है, मेरी चॉइस नहीं, भाई बहन भी मेरे को मिला है, मेरी चॉइस, पैदा होते ही मेरे को धर्म मिला, घर मिला, वो अपने आप मिला है मेरे कर्मों की वजह से। और बाद में जो मैं पढ़ाई करता हूँ, इसमें टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड जो भी मिलते हैं वो सब मेरे तकदीर से मिलते हैं। और एक दिन मैं ग्रेजुएट बनता हूँ, पढ़ाई में एक्सपर्ट हो जाता हूँ, फिर कोई जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, इसमें भी बहुत सारे सहयोगी होते हैं। अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरे बहुत सारे बॉस और फ्रेंड्स भी होंगे, अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मेरे असिस्टेंट भी बहुत होंगे, ग्राहक भी होंगे, व्यापारी भी होंगे। तो ये सब कुछ होते हुए भी मैं पैसा प्राप्त करता हूँ मेरे तकदीर से। तो आखिर दुनिया में हम देखेंगे तो जो कुछ भी बातें हैं, कोई भी व्यक्ति, वो दुनिया में से ही बातें हैं, वो तो ठीक है, और दुनिया में पाने के बाद, दुनिया में से पाने के बाद वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए यूज करते हैं उस साधनों की, उस लक्ष्मी की, और बाद में समाज से मिला है तो समाज में भी बांटने की कोशिश करो आपकी मर्यादा के आगे, क्योंकि समाज में से ही मिला है। और इतना ध्यान रखो, जो चीज समाज में से मिली है आपको, इसका यूज करने का अधिकार है, मालिक की करने का अधिकार नहीं है, आप समझे। तो जैसे भी थोड़ी सी भी आपकी संपत्ति का भाग समाज के लिए उपयोग करोगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और वो ही आपको नेक्स्ट पढ़ते वो ही समाज आपको देंगे, ऊपर से कोई देने वाला नहीं है। तो ये समझने की बात है। तो वैसे आप सोचोगे तो धीरे धीरे वैराग्य भाव आएगा और मालिकी भाव कम हो जाएगा, आप समझे। फिर धीरे धीरे कर्ता भाव को छोड़ना है कि आखिर ये मैं करता हूं, अच्छा और बुरा जो भी होता है मैं करता हूं। सोचो पहले, शरीर भी कुदरत का है, किसका है, ये पंच महाभूत किसका है, कुदरत का है, और ये बॉडी को जीवित रखता कौन है, हवा पानी खुराक रखे, हवा पानी खुराक कौन देता है, वो भी कुदरत देता है। तो पंच महाभूत भी कुदरत का है, हवा पानी खुराक भी कुदरत का है, और इसके बाद भी जो कुछ भी संजोग मिलते हैं, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, वो भी कौन देते हैं, कुदरत देते हैं। तो आखिर मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो सिर्फ इसके साथ हिसाब है। तो फिर अगर आता है और जाता है वो तो हिसाब है, तो इसमें राग द्वेष करने की या कर्ता भाव करने की क्या जरूरत है, आप समझे। लोग कहते हैं मैंने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया, फिर क्या करेंगे, घर में तो खर्चा करना ही पड़ेगा परिवार के लिए, फिर बच्चे को देना पड़ेगा, बच्चे को देने पड़ेगा, उनके शादी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो आपकी इनकम जो होती है इसमें बंटवारा होता है कि नहीं होता है, तो यही तो क्रम है, आना और जाना, तो कोई नई बात थोड़ी है। मगर हम क्या समझते, मेरे व्यक्ति को मैंने दिया तो इसको मैं दिया मानूंगा, समाज को दूंगा तो मैं क्यों दूं भाई, ये नहीं समझते कि पैसा समाज से ही आता है, ये बात समझते हैं, आप समझे। तो जीवन में मैं त्याग करने की बात नहीं करता हूं, मैं यही कहता हूं सोचो पहले
कि आखिर दुनिया में कुछ भी हमारा है या हो सकता है? सोचो पहले, ना हमारा है और ना हमारा हो सकता है, ठीक है? तो फिर जो आता जाता है वो सिर्फ हमारे कर्मों का फल है, हिसाब है। तो मैं क्यों इसकी मालिकी करूं, मैं क्यों इसका कर्ता भाव करूंगा? देखो, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता है और पैसा सिर्फ बुद्धि से भी नहीं आता है, आप समझे। पैसा आता है तकदीर से और बुद्धि और मेहनत सहायक होती है, मगर आता है किससे? तकदीर से। बाकी तो जो गड्ढा खोदने वाला है वो बहुत मेहनत करता है, फिर पूरे दिन में 8 घंटा मेहनत करने के बाद वो मजदूरी पाता है, बराबर है कि नहीं? मेहनत करके। और जो बुद्धिशाली मुनीम होते हैं वो नौकरी करके सेठ को पैसा कमा के देता है, इनको पगार मिलता है, और सेठ मजदूरी भी नहीं करते, बुद्धि भी नहीं चलाते, उनको प्रॉफिट मिलता है। नहीं समझ में आया, आप समझे? तो इसीलिए पैसा तकदीर से मिलता है और उसमें मेहनत और बुद्धि क्या होती है? सहायक होती है। अकेली मेहनत और बुद्धि से पैसा नहीं मिलता है, आप समझे। तो इसीलिए कुदरत यही कहती है कि ये दुनिया में जो कुछ व्यक्ति को जो कुछ मिलता है ये इनके ही कर्मों का फल है, चाहे पाप के रूप में चाहे पुण्य के रूप में। इसमें कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? मगर हमारी सोच इतनी लिमिटेड बन गई, क्या बन गई? तो सोच को ब्रॉड बनाओ और कुदरती कानून के रूप में देखने की कोशिश करो। कुदरत को तो पूरी दुनिया चलानी है, यह सुन लो। वो साहूकार का भी चलाएगा, क्या चोर का नहीं चलाएगा? उनका घर नहीं चलाएगा? बोलते नहीं है चोर के घर के अंदर बीबी है, बच्चे है, उनका भी तो प्रोटेक्शन करना है ना, प्रोटेक्शन नहीं करना है तो फिर उनका भी चलाएगा। कोई प्रेम करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, उसका भी चलेगा। कोई माया मारी करेगा, उसका भी चलेगा। तो कुदरत को तो सबको सबका चलाना है, हमको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। समाज में तो ऐसा रहेगा ही, हम भाव कर सकते हैं कि समाज में शांति सद्भावना प्रेम मैत्री बनी रहे, आप समझे। तो पहले जमाने के अंदर ऐसे छोटे छोटे प्रसंग होते थे तो पंच बैठता था, वहां समाधान कर देते थे। तो उस जमाना अच्छा था, उसमें कोर्ट कचहरी या पुलिस की जरूरत नहीं थी और शांति से समाधान हो जाता था, इतना झगड़ा बगड़ा वैर जैर नहीं होता था। तो ये परंपरा बहुत अच्छी थी और इसमें जो बड़े बड़े लोग बैठते थे वो अपने पॉकेट में से भी पैसा देते थे, तो तभी तो इसको इज्जत होती है ना, तभी तो लोगों को इसके ऊपर विश्वास आता है ना, ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपकी दृष्टि को विशाल बनाओ। क्या बनाओ? विशाल बनाओ, विशाल बनाओ, ताकि मेरी दृष्टि के अंदर से मालिक की भाव और कर्ता भाव खत्म हो जाए, उस वस्तु को त्याग करने की, संबंधों को त्याग करने की बात नहीं करता हूं, अपनी दृष्टि में से अज्ञानता को निकालने की बात करता हूं, क्योंकि अज्ञानता से ही राग द्वेष होते हैं। किससे होते हैं? अज्ञानता से। तो वो जो अज्ञानता दृष्टि में पड़ी है इसी से राग द्वेष बनते हैं, और अज्ञानता निकल जाएंगी। कौन सी अज्ञानता है? कर्ता भाव और मालिकी भाव। तो एक बात दिमाग में सेट कर दो, भले धीरे धीरे सेट करने में 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, 5 साल लगे, कोई बात नहीं, मगर सेट करने का प्रयास करते रहो कि ये शरीर जो है वो कुदरत ने दिया हुआ मशीन है। किसने दिया है? कुदरत ने दिया है। इस शरीर की जो मानव शरीर की जो डिजाइन है, डिजाइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये डिजाइन भी कुदरत ने बनाई है, इसीलिए सबकी डिजाइन एक ही है। अगर इंसान बनाता है तो एक नहीं होगी, सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी, मगर सबकी एक ही सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति को कोई भी डॉक्टर रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम
एक ही है। एक क्यों है? क्योंकि कुदरत ने बनाई है। डिजाइन किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। इसके बाद ये डिजाइन तो सॉफ्टवेयर हो गया, अभी ये बॉडी के रूप में जो हार्डवेयर है मशीन, वो भी किसने बनाया? कुदरत ने, क्योंकि वो पंच महाभूतों से बना है। किससे बनाया है? पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, इससे बना है। वो भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, पंच महाभूत भी कुदरत का, जिससे ये बॉडी बनी। फिर बॉडी तो बना दिया, अभी उसको 100 साल तक जीवित रखना है, इसके लिए हवा, पानी, खुराक भी कौन देंगे? वो भी कुदरत का है। तो अभी 100 साल उसको जीवित तो रखेंगे, मगर क्यों रखेंगे 100 साल जीवित? तो क्योंकि कर्मों की भुगतान के लिए रखेंगे। तो कर्मों की भुगतान के संजोग भी कौन देंगे? वो भी कुदरत देंगे। लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? तो आप सिंपल देखो, ये मशीन कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाता है और अंत भी कुदरत लाता है। तो फिर मशीन को मशीन समझने में क्या तकलीफ है? आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। अगर ये मशीन को मशीन समझेंगे तो कर्ता भाव और मालिक भाव अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मशीन का ऑपरेटर ही कुदरत है। सोचना, बोलना, क्रिया करना, ये सब संचालक कौन है? संजोग कौन देता है? कुदरत देता है। तो मैं करता हूं, आप करते हैं, वो करते हैं, वो नहीं रहेगा। मेरा है, तेरा है, उसका है, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा संचालन ही कुदरत का है। पूरा संचालन ही कुदरत का है। और कुदरत का है वो समझने में क्या तकलीफ है? तो जैसे जैसे ये बातें समझते रहोगे इतना इतना आपके अंदर मोह भाव खत्म हो जाएगा। जो मोह से कर्ता और मालिक की भाव जीवित था, वो धीरे धीरे और अपने आप वैराग्य रहेगा। वैराग्य का मतलब होता है मालिक की भाव और कर्ता भाव का अभाव, वो वैराग्य। मैंने किया, आपने किया, ये सब जो कट्टरतावाद है वो नहीं रहेगा। मेरा है, तेरा है, वो भी नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं। देखो, त्याग करना बहुत आसान है, वैराग्य आसान नहीं है। छोड़ देना तो आसान है, आप समझे ना, मगर हर संजोगों को निभाना वो आसान। घर परिवार छोड़ दिया और साधु बन गए और शास्त्रों का पढ़न कर दिया, आप समझे ना, और समय पे खाना मिल गया आपको, तो साधु बनना तो आसान है, मगर परिवार के साथ सीधा रहना आसान नहीं है, आप समझे। साधु बनना तो आसान है, परिवार के साथ, समाज के साथ जी के स्ट्रेट फॉरवर्ड होना वो आसान नहीं है। तो वो हमको सीखना है। इसमें वैराग्य की जरूरत है, इसमें वैराग्य खत्म हो जाए, मालिकी भाव, कर्ता भाव खत्म हो जाए, और ये कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य भाव आएंगे, और वैराग्य भाव का मतलब यही है, कर्तापन और मालिकीपन का अभाव, वही वैराग्य। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं है। कोई भी परिस्थिति को अस्वीकार करो तो तुम वैराग्य है, विदाउट ब्लेम एंड क्लेम, आप समझे ना, कोई वैराग्य है। वैराग्य की कोई कंडीशन नहीं है, हर संजोग को स्वीकार करो। तो अच्छे संजोग आए उनका भी स्वीकार करो और बुरे का भी स्वीकार करो, किसी के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं करो, बस वही वैराग्य है, आप समझे ना। तो वैराग्य का मतलब होता है अपने अंदर से जो मोह है मालिकी भाव कर्ता भाव का, वो निकाल दो, क्योंकि ये सब कुदरती रचना है। रचना किसकी है? कुदरती है, और कुदरती रचना है तो कुदरत के पास ही रहेगा। रहेगा किसके पास? कुदरत। कहते हैं ये दुनिया के अंदर आपको 5 इंद्रियों से जो कुछ भी दिखता है, अनुभव में आता है, ये सब मेरा है।
और मेरे पास ही रहेगा। तुम्हारे पास जब आएगा तो तुमको यूज करने का अधिकार है, साथ में ले जाने का अधिकार, क्योंकि मालिक कौन हूं? कुदरत है। मगर गलती से हम मालिक बन जाते हैं। बस तो मालिक ही भाव को निकालना है। आपके पास जो चीज आई है आप उसका उपभोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, मगर मालिक ही नहीं करो। वही वही राज्य है। आपने जो कुछ भी किया, सामने वाले ने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा किया, क्या वो बिना स्वार्थ अच्छा बुरा कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, सामने वाला कर सकता है। तो हवा पानी घोड़ा कौन देता है? तो कुदरत देता है। तो ताकत कैसे आई? कुदरत दिया। फिर संजोग कितने दिया राज में इसका? तो ये कुदरत का दिया हुआ संजोग हम व्यक्ति के साथ क्यों राजद्वेष करेंगे? समझो, व्यक्ति तो निमित्त है, कर्मों की भुगतान के एक दूसरे का निमित्त है। और ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर वो कर्मों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर्म तो पिछले अवतार में किया था, वो भुगतान के लिए शरीर दिया है, शरीर वो भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप समझो बराबर, ये शरीर को तो करना पड़ता है, उनके पास चॉइस, मगर तुम शरीर को डांटते हो। ये गलती किया, तुमको अभी खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, डांटते रहते हो। क्यों करते हो ऐसा? उनकी गलती है ही नहीं। आप समझे कि नहीं? ये तो कर्मों की भुगतान का साधन है। क्या है साधन? को क्यों डांटते रहते हो भाई? आप समझे कि नहीं? अपनी दृष्टि को करेक्ट करो। क्या बताए? यहां धर्म और संप्रदाय की पकड़ में आने की जरूरत नहीं है। सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करो, सभी धर्म गुरुओं का रिस्पेक्ट करो, सभी धार्मिक क्रियाओं का रिस्पेक्ट करो, मगर सनातन सत्य जानते रहो, ताकि मन में ये छोटा ये बड़ा, ये अच्छा ये बुरा ऐसा नहीं रहे। अपने अंदर सद्भाव बनाते रहो और ये सब कुदरती रचना को देखते रहो। आखिर है कुदरत का, और कुदरत के पास ही रहेगा। कुदरत का एक ही कानून है, ये दुनिया में 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है सब कुछ मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। आपको जो मिलता है सिर्फ उपयोग करने के लिए, मालिकी करने के लिए नहीं मिलता है। ये मकान बना, इसका रॉ मटेरियल किसका है? ये बना, इसका रॉ मटेरियल किसका है? हम खाना खाते हैं, किसका है? हम पानी पीते हैं, किसका है? हम हवा लेते हैं, किसका है? ये डायमंड गोल्ड सिल्वर किसका है? आप बताओ। हम जो नोट प्रिंट करते हैं, वो नोट का रॉ मटेरियल किसका है? आप देखो, बिना कुदरत कुछ भी कर सकते हैं, हवा भी ले सकते हैं, तो सब कुछ कुदरत का है और कुदरत के पास ही। मगर पाप पुण्य के हिसाब से आपको मिलता है और आपके पास से चला जाता है। ये कर्मों का खेल है, मगर है कुदरत का, पहले भी कुदरत का था और बाद में भी। तो इसमें क्यों इतना राग द्वेष? क्यों मालिकी पर क्यों करता है? भाई मैंने किया, आपने किया, भाई आपने नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, ये करवाया है। हर संजोग कुदरत देती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अस्पताल में एडमिट हो गया, आप कहोगे भी ये तुम्हारा दुश्मन आया, मारा मारी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो संजोग भी कुदरत देते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी के प्रति राग या किसी के प्रति द्वेष करने की जरूरत नहीं है। ये दृष्टि को विशाल बनाओ, मगर कैसे विशाल बनाओ? कुदरत के कानून समझ के। आप समझे? कुदरत के कानून को समझ के इसकी अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ, ताकि हर संजोग को हम डाइजेस्ट कर सकें विदाउट राग एंड द्वेष। यही हमारे दृष्टि की विशालता होनी चाहिए। आप समझे? और यही विशालता के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं बार बार ये बातें करता रहता हूँ। ये कुदरत सच्चिदानंद। अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी यानी शास्त्रों में, तो दो तत्वों का उल्लेख होता है, एक जड़ और चेतन। यहाँ आने के बाद एक तीसरी बात जो समझ में आ रही है वो शब्द है प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन या भाव जो बोलते हैं।
तो ये सनातन सत्य को समझने में, इसको समझने का यानी इसका कितना महत्व है इस चीज, इसको समझने के लिए दो में से तीन में अब बातें आ गई है, तो इसका कितना महत्व है सनातन सत्य को समझने के लिए। दो तत्व जो है जड़ और चेतन, दो तत्व जो है जड़ और चेतन दोनों शाश्वत है ना, अवस्था टेम्पररी है, ये बॉडी जो है वो टेम्पररी है, मगर जड़ तत्व है वो परमानेंट है, और चेतन भी। और हम जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं वो तो हमारा क्रिएशन है अज्ञान का, और इसी से सफरिंग है। अगर अज्ञान नहीं है सफरिंग भी नहीं है, अज्ञान से कर्म बनते हैं और कर्म से कर्म का फल है, अगर अज्ञान नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो कर्म फल भी, तो जन्म मरण भी, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। दोनों चेतन, चेतन और जड़ दोनों शाश्वत है, मगर ये जो है वो तत्व नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन लाइव ईगो वो तत्व नहीं है, वो अज्ञानता से खड़ी हुई अवस्था है, मगर वो अज्ञानता हजारों लाखों अवतार से पड़ी हुई है, क्योंकि अज्ञान निकालने के लिए जहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, और विज्ञान भी कैसा है, कुदरती कानून का विज्ञान, कोई धर्म संप्रदाय का विज्ञान नहीं, इससे तो पाप पुण्य बनते हैं, इससे अज्ञान का खत्म नहीं होती है। तो ये सनातन सत्य का विज्ञान कभी भी कहीं से भी समझ में आएगा तो धीरे धीरे अज्ञान का नाश होता है। और जो आपका जो विजन है प्रतिष्ठित आत्मा का, वो क्या होगा, डेवलप होगा, जितना अज्ञान नाश इतना डेवलप, जितना अज्ञान नाश वो डेवलप होगा, और जितना डेवलपमेंट इतना इसका विजन क्या कहेंगे, ब्रॉड होगा, और जितना अज्ञान ज्यादा विजन क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और यही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं, पुरुषार्थ यही करता है। हाँ, जो जीवित है वही तो पुरुषार्थ करेगा, ये जीवित नहीं है, ये तो जड़ है। क्या है, जड़, जीवित लगता है नहीं, ये तो प्राणवायु से चलता है, हवा पानी खुराक चलता है, मशीन है, इसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इसे हवा पानी खुराक चलता है, मगर ये मशीन है, अगर हवा पानी खुराक बंद कर दिया तो बंद हो जाए, आप समझे, तो ये मशीन है, नेचर मेड मशीन, कुदरत ने बनाया हुआ मशीन, कुदरत ही चलाती है और कुदरत ही उसका अंत लाती है। क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर तीनों कौन है, कुदरत, कुदरत है। तो ये मशीन में तो कोई ताकत नहीं है जी, आप समझे कि नहीं जी, ये पंखा में ताकत नहीं है, हमने पावर दिया तो वो काम करते, पावर नहीं दोगे तो नहीं करेंगे, ऐसे उसको हवा पानी खुराक नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा, ये मशीन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जड़ है ना, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, इसको भी भंगार में बेच सकते हैं और इसको भी जलाया जाता है जी, इसकी तो रीसेल वैल्यू आती, इसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं आएगी वो भंगार में भी नहीं लगा इसको तो इसको तो टूट गया फूट गया तो भंगार वाला ले जाएगा, कुछ ना कुछ तो देगा, इसका तो कुछ देते, इसको तो जलाने के लिए भी देना पड़ता है इसका कुछ मिलता नहीं, जब तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ तब तक प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू है। हाँ, नहीं तो अज्ञान कौन निकालेगा, अज्ञान ही तो, अज्ञान से ही तो वो बना है, और जिस दिन डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनका रोल खत्म हो गया है ना, फिर शरीर और आत्मा दो ही रहेगा जी, जब उसका अज्ञान नहीं तो रोल क्या है उसका, कुछ नहीं, फिर न कर्म करने का है न पुरुषार्थ करने का है, कुछ करने का नहीं है, जब रोल नहीं है तो अस्तित्व कैसे रहेगा, ठीक है जी, आप समझे कि नहीं, जड़ और चेतन से भी इंपॉर्टेंट रोल इसका हो जाता है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखो जड़ जो है, जड़ जो है जी, ये कुदरती रचना है जी, इसका क्रिएटर ऑपरेटर इसमें कुदरत है जी, और आत्मा है वो स्वयं शक्तिशाली है जी, इनको पुरुषार्थ की जरूरत, इनको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, और ये पुरुषार्थ कर सकता नहीं है, तो पुरुषार्थ कौन करेगा, प्रतिष्ठित आत्मा, और कोई ऑप्शन है नहीं है, और यही तो ये विज्ञान की या आध्यात्म विज्ञान की यही खूबी है जी, जो आपको वास्तविकता बताती है। आज तक आप भ्रांति में जी रहे थे जी, कि कर्म की भुगतान भी ये करता है और नया कर्म भी ये बनाता है, यही सीखा था ना जी, जी, ये भ्रांति का ज्ञान था, ये वास्तविकता नहीं थी, मगर क्या है, दुनिया तो है वो अज्ञान से चलती है जी,
और जिस दिन अज्ञान निकल गया तो उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। ये दुनिया अज्ञानियों के लिए है, किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। और जिसका अज्ञान 100% खत्म हो गया तो दुनिया से क्या हो जाएगा? मुक्त हो। फिर वो यहाँ आएगा? नहीं नहीं, ये बात पचती नहीं है, पचती नहीं है इतनी जल्दी ये बात नहीं पचे या न पचे जी। वास्तविकता को तो एक दिन समझना ही पड़ेगा जी। अगर ये शरीर कुदरत का है तो कुदरत का है ऐसा समझना ही पड़ेगा जी। और अगर शरीर कुदरत का है तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन किसका होगा? कुदरत का होगा। अगर ये समझ में आ जाए बाकी सब समझ में आ जाएगा जी। आप समझे जी। गलती क्या होती है? एक भाई ने प्रश्न किया था बंबई में जी कि स्वामी जी ये शरीर मेरा है, वो दिमाग में से निकलता नहीं है, ऐसा नहीं निकलता है जी। यानी शरीर में ये शरीर मेरा नहीं है ऐसा नहीं महसूस होता है जी। ये शरीर मेरा है ऐसा महसूस होता है बार बार, इसके लिए क्या करें? तो मैंने कहा देखो शरीर को मेरा मानना वो गलती नहीं है। आप कहते हैं मकान मेरा है, ठीक है ठीक है, मगर आप कहते हैं कि मैं मकान हूं। आप कहते हैं कार मेरी है, आप कहते कार मैं कार हूं, कहते ऐसा तो शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं, तो कहां तक गिर गया? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मेरा है बोलो, मैं नहीं हूं। ये मकान मेरा है बोलो, मगर मैं मकान हूं। ये कार मेरी है मगर मैं कार हूं। ऐसे शरीर मेरा है मगर मैं शरीर, तो क्या तकलीफ है? बात ये है कैसे भी करके हमको वास्तविकता समझ नहीं है। अगर समझना चाहते हैं तो एक दिन तो हमारे खुद के विकास के लिए, हमारे खुद के अंदर अज्ञानता निकालने के लिए और ये राग द्वेष और कर्मों के बंधन से छूटने के लिए एक दिन तो समझना पड़ेगा कि नहीं ये दुनिया की वास्तविकता है। ये वास्तविकता धार्मिक नहीं है, ये सनातन सत्य है और ये किसी का नहीं है, ये कुदरत का है। ये कानून किसका है? कुदरत का है। हम क्या करते हैं? हम कुदरत को रिजेक्ट करते हैं जी। तो कुदरत फिर उसका पनिशमेंट करते हैं। आप समझे? भी हम कहेंगे कि हमको वाइफ ऐसी मिली, हस्बैंड ऐसा मिला, बच्चा ऐसा मिला, बच्ची ऐसी मिली, दामाद ऐसे मिले, बहू ऐसी मिली, ऐसा हम बोल सकते हैं व्यवहार से। कुदरत कहते हैं नहीं, जो भी मिला वो आपके कर्मों से मिला है। किससे मिला है? कर्मों से मिला है। और कर्मों से मिला है तो कोई भी प्रकार के फरियाद के बिना इसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा संजोग भी और बुरा व्यक्ति भी एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वही आपके कर्मों का प्रसाद। व्यक्ति खराब नहीं होती, आप समझो, व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब खराब है। आप समझो, ब्रॉड विजन रखो, चोर चोरी करता है, मेरा पॉकेट काटता है, उनकी वाइफ का नहीं काटता, उनको देता है। नहीं समझ में आया? तो चोर हमारा रोल ऐसा है, उनकी वाइफ के साथ रोल ऐसा नहीं है, बच्चे के साथ नहीं है, वो बांटते हैं वहां, यहाँ काटते हैं वहां काटते हैं। तो चोर चोर थोड़ी है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा चोर चोरी करता है वो उचित है कि नहीं, अभी उचित है कि नहीं वो कहने वाले हम कौन होते हैं? ये दुनिया जब कुदरत ने बनाई है और कुदरत चलाती है, इसमें हम कौन कहने वाले कि उचित है कि नहीं? राम ने युद्ध किया, लाखों लोगों को मार दिया, सैनिकों को, क्या उचित है? वो सैनिक के वो गलत काम कर रहे थे। सैनिक की बात करता हूँ मैं, राम की नहीं। राम ने सैनिक को मारा उसकी बात करता हूँ। इसका उत्तर दो आप। मतलब रावण के जो सैनिक थे वो तो दुर्दशा फैला रहे थे ना, समाज में कुरूपता ला रहे थे। तो सैनिक या रावण की बात करते हो आप? मेरा प्रश्न सिर्फ सैनिक का है, रावण का नहीं है। ये तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, कुछ तो होगा ही, कुछ मरेगा, कुछ होगा तो भी यार कुछ होता है तभी होती है, वहां कुछ होता है एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, आपकी सोच क्या है? अगर अगर अर्जुन ने महाभारत में युद्ध किया और लाखों सैनिक मर गए, उनकी गलती क्या थी बताइए? गलती तो
नहीं थी तो फिर भी बड़ा है। लाखों लोगों को मार दिया तो बराबर नहीं है, नहीं आपकी सोच क्या है वो तो बताओ। लाखों लोगों को मार दिया वो बराबर है और पॉकेट काटना बराबर नहीं है। नहीं, मैंने आपको उत्तर देने का प्रयास किया कि आप सोचो, आपके पास दिमाग है, आपके पास सोच है, तो मैं यही कहना चाहता हूं आपको, कर्म सत्ता के आगे किसकी चलती है? नहीं चलती है। हम कौन कहने वाले बुरा अच्छा? वो कई लोग कहते हैं रात क्यों आती है, हमको दिन चाहिए काम करने के लिए। कोई कहता है दिन क्यों आता है, हमको काम करना पड़ता है, रात आती तो अच्छा है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, हम क्या करेंगे, किसको सही करेंगे, किसको गलत कहेंगे, आप समझे कि नहीं? तो दुनिया व्यू पॉइंट से नहीं चलती है, व्यू पॉइंट आपकी बात है। दुनिया वास्तविकता से चलती है, क्या आपने जो कर्म किया है इसका फल मिलेगा, आप मानो या न मानो, क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता से नहीं चलता है। कुदरत का कानून कुदरती कानून से चलता है। जब आपने गलती किया है तो पनिशमेंट होगी, ठीक है, और पनिशमेंट कुदरत नहीं देगी, कोई लिमिट बनाएगा, और पुण्य के लिए भी कोई लिमिट मिलेगा और पाप के लिए भी कोई, पैसा देने वाला भी मिलेगा और पैसा काटने वाला भी मिलेगा। और दोनों कुदरत के कानून से काम करते हैं, दोनों, आप समझे, हमारी मर्जी से नहीं करते हैं। तो जिसको मारा है राम ने, जो मर गए हैं वो भी कुदरती कानून से मरा है, युद्ध हुआ है वो भी कुदरती कानून है, आप समझे, दोनों के साथ जो युद्ध हुआ वो भी कुदरती कानून है, जो मर गए वो भी कुदरती कानून है, आप समझे। सब अपना अपना निमित होता है, निमित समझते हैं आप। जैसे कोई नौकरी करता है, क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी छूट भी जाती है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट भी होता है और हानि भी। तो युद्ध करने के लिए जाएंगे तो मरेंगे भी और जिएंगे भी, तो सबका अपना अपना ड्यूटी होता है ना। मैं बिजनेस करूंगा तो प्रॉफिट और लॉस भी होगा कि नहीं होगा, नौकरी करूंगा तो काम भी करना पड़ेगा, कभी चली भी जाएगी नौकरी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर सैनिक बनूंगा तो मरना भी है या तो जीना भी है, दो ऑप्शन है। कुदरत कराता है, व्यक्ति नहीं करती है। समाज के तौर से हम ये नहीं कहेंगे कि किसी की पॉकेट काटना, किसी को मारना, किसी से अन्याय करना वो सही है, ऐसा नहीं कहेंगे सामाजिक दृष्टि से, मगर कुदरती कानून से किसी की व्यक्तिगत गलती निकालना ये आपकी मिस्टेक है। अच्छा समझिए, एक चीज और बताइए, समाज उस समाज में मतलब एक आदमी को पैसे की जरूरत है और पैसे मिल जाते, वो पैसे का दुरुपयोग करता है या तो दारू पीता है या जुआ खेलता है, तो क्या ऐसे लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये आपने कहा कि देना चाहिए कि, बहुत अच्छी बात की आपने कि एक व्यक्ति खराब व्यवहार करती है और पैसा मांगती है और पैसा मांगने के बाद लेने के बाद खराब व्यवहार करती है, इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कुदरत को पूछो इनको स्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी जॉब नहीं देंगे, जब कुदरत कहती है उसको जीने का अधिकार है, आप कहती है उसको जीने का अधिकार नहीं है, यही बात करते हैं। नहीं, जीने का अधिकार है लेकिन अच्छे तरह से जीने का अधिकार है ना, इस तरह गलत जीने का अधिकार तो नहीं है। अच्छा बुरा वो आपके लिए है, राम ने युद्ध किया वो अच्छा था, मर गए उनके लिए परिवार के लिए अच्छा नहीं था, तो सरकार जो किया जाता वो भी गलत है, ऐसे चलने दी दुनिया को। नहीं, जो भी करते हैं वो अपने संजोग के आधार से करते हैं। एक व्यक्ति सरहद पे मर जाता है, शहीद हो जाता है, गवर्नमेंट ने उसको 1 करोड़ रुपया दिया उनके परिवार को, तो व्यवहार है, मर गया तो जिंदा है तो पगार मिलेगा, मर गया तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो मेहनत की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। क्या है, आप सुन रहे हैं ना, वो व्यवस्था की बात है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? समाज तो चलाना है ना भाई। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, पैसा आता जाता नहीं है, पैसा आता जाता नहीं है, ये व्यवहार होता है। क्या होता है? अगर आपने आपकी जीवन पूरी लाइफ के अंदर मानो कि 5 करोड़ रुपया की इनकम, इसमें से 2 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया खाना पीना रहने के लिए, ठीक है, 3 करोड़ रुपया आपके पास पड़े हैं बंगला के रूप में, गाड़ी के रूप में, गोल्ड सिल्वर के रूप में, डायमंड के रूप में, या बैंक बैलेंस के रूप में, या स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है,
तो कुल करके आपके पास मिलकर अभी 3 करोड़ की है और 2 करोड़ खर्च हो गए, आपकी इनकम टैक्स 5 करोड़ की, अभी आप रिटायर हो गए, ठीक है, जो भी आता है उसमें से आता है। तो ये 3 करोड़ जो है, 2 करोड़ तो आपने खर्च कर दिए, अभी 3 करोड़ में से शायद आप पूरी लाइफ में 1 करोड़ मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 करोड़ तो बचेंगे ही, वो आपको दे देना है। क्या बताया? दे देना है समाज को कहो, व्यक्ति को कहो, बच्चे को कहो, बच्ची को कहो, किसी को भी देना है, वो ले जा सकते नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कुदरत कहते हैं पुण्य से आपको मिलेगा, उपयोग इतना करोगे जितना आपका पुण्य है, यूज करना वो भी आपके पास क्षमता नहीं है, आप समझो पहले। प्राप्त करने का पुण्य वो अलग है और खर्चा करने का पुण्य भी अलग है, आप समझे। पैसे वाला व्यक्ति भी चल के जाएगा, या तो घोड़ा गाड़ी पे बैठेगा, या तो साइकिल पे जाएगा, स्कूटर पे जाएगा, या ट्रेन पे जाएगा, वो प्लेन पे नहीं जाएगा, पैसा होने के बावजूद भी खर्चा करने के लिए भी पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? और पाने के लिए भी पुण्य चाहिए, तो दोनों पुण्य अलग है। कई लोग ऐसे हैं बुद्धिशाली लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, मगर एक बार तिजोरी में पैसा डाल दिया फिर बाहर निकलता है नहीं। और हर रोज तिजोरी खोल के गिनती करके देख लेते हैं बराबर है। तो कुदरत कहती है ये आदमी का पुण्य ऐसा है कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, उनको तो सैलरी मिलती है, उनको तो ये भी नहीं मिलता है। नहीं समझ में आता, इनका पुण्य इतना लो लेवल का है कि मिलता जरूर है पैसा मगर यूज नहीं कर पाता। अब ऐसे पुण्य का क्या मतलब है, वो तो बताओ आप, क्या मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं। ऐसा दुनिया चलती है, मगर क्या करेगी, लोगों की सोच क्या हो गई, लिमिटेड, बस प्राप्त करते रहो प्राप्त, फिर क्या करना है। पहले जमाने के जो लोग थे, आज से करीब 100 साल पहले की बात करते हैं, लोग इतने सरल थे और संतुष्ट थे, बोला मेरे को जो मेरा घर चलता है, परिवार चलता है, व्यवहार चलता है, और मेरे को संतुष्ट है, भी वो ज्यादा कमाते तो कमाने दो ने, तकलीफ क्या है मेरे को, भी मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, कोई तकलीफ नहीं है, हम भगवान का नाम लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर में सब लोग स्वस्थ है, सबका व्यवहार अच्छा है, परिवार एकजुट रहता है, हम इसमें आनंद रहते हैं, हमको कोई ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, वो आनंद है इसमें, क्या है आनंद। राज क्या हो गया, ज्यादातर ध्यान दो कमाने पर, यूज करने का तो टाइम नहीं है। फिर क्या, तो देखो ये पुण्य लो क्वालिटी का, उस जमाने के 100 साल पहले व्यक्तियों का जमाने का पुण्य बहुत अच्छा था, आउट ऑफ 100, 90% वो यूज करते थे। अभी यार जो भी लोग मर जाते हैं ना, उनके जीवन की जो इनकम है उनमें से 60% 70% वो छोड़ के जाते हैं, चाहे मिल्कत के रूप में, गोल्ड सिल्वर डायमंड बैंक बैलेंस का, स्टॉक मार्केट को इसके रूप में छोड़ के जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते, ये उसकी पुण्य ही है। तो पानी की है यूज करने की, तो देखो तो ये बात को मतलब कहने का मतलब समझने की कोशिश करो, एक ना एक दिन वास्तविकता तो समझनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता आप त्याग करो, समझो तो सही पहले कि मैंने गरीब को 5 रुपया दिया, कोई भिखारी को 5 रुपया दिया या खाना दिया, तो मेरे को आनंद होता है क्योंकि मैंने अपने पैसे का यूज किया है, गलत काम नहीं किया है, आप समझे, ये आनंद की बात है, आप समझे। देखो लेना लेना किसी के पास से लेना, इसके लिए पुण्य चाहिए, और देना है इसके लिए जिगर चाहिए, क्या चाहिए, सब नहीं दे सकते हैं, छोड़ना आसान नहीं है क्योंकि आपका सिक्का लगा है मालिक का, मेरा है, तो सिक्का को निकालना आसान नहीं है, मगर कुदरत कहते हैं भाई तुम्हारे पास भी तब आया जब एक व्यक्ति ने अपना सिक्का निकाला, तभी तुम्हारे पास आया, तुमने तो प्रिंट नहीं किया है, बोलते नहीं हो, बराबर है कि नहीं, किसी ने छोड़ा तभी तुम्हारे पास आया, तो तुम छोड़ोगे तभी जब किसी के पास जाएगा, यही तो क्रम है ना, यही तो क्रम है, ये कोई नई बात थोड़ी है।
इसी से तो दुनिया चलती है, बराबर है कि नहीं? अगर रिजर्व बैंक नोट छापती रहेंगी और बाहर निकालेंगी नहीं तो व्यवहार चलेगा? नोट का जो मालिक है प्रिंटर और गवर्नमेंट, वो कहते हैं हम मालिक नहीं, आप कहते हैं हम मालिक है। तो ये व्यवहार के लिए है, आप समझो। ये पैसा आनंद के लिए, शोक के लिए नहीं, व्यवहार के लिए। किसके लिए? सुख दुख तो अवस्था के रूप में हमको अनुभूति होती है, बाकी पैसा तो व्यवहार है। पैसा सुख दुख का साधन नहीं है, व्यवहार चलाने का साधन है। क्या है आप समझे? अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया हो गए तो क्या आपको दुख नहीं आएगा? शारीरिक दुख, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नहीं आएगा? आएगा। तो सुख दुख वो भुगतान है, पैसा वो भुगतान नहीं है। पैसा व्यवहार चलाने का साधन है, सुखी होने का साधन नहीं है। तो समझने की जरूरत है, जहां तक हमको जरूरत पड़े पैसा मिल जाए, हमारा व्यवहार हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास मिलकर पैसा इतना होना चाहिए कि किसी के पास मांगना नहीं पड़े, बस बहुत हो गया। अगर ज्यादा है तो मैं किसी को दे सकूं, क्योंकि किसी के पास से तो मेरे को मिला है, मैं लेकर तो आया नहीं था। बात तो बराबर है कि नहीं? तो अगर मैं लेकर नहीं आया फिर भी मेरे को मिला अपने पुण्य से, तो मैं खाऊ पीऊ अच्छी तरह जीवन जीऊ और किसी को बांटूंगा तो अच्छी बात है ना, इसमें मेरे को आनंद होगा। क्योंकि वैसे भी साथ में ले जाने का नहीं। तो एक ना एक दिन बात को तो समझना पड़ेगा। ये सब बातों के अंदर धर्म और संप्रदाय, गुरु प्रिया का बीच में आता है? कोई जगह बीच में आता है, कोई जगह नहीं आता है। हमने कट्टरता बना दिया है, बस वास्तविकता को भूल के छोटे छोटे क्या बना दिया, संप्रदाय बना के कट्टरता पैदा कर दिया, और हमारे अंदर जो थोड़ी घनी मानवता थी वो भी खत्म कर दिया। आप समझे इंसान के अंदर अगर इंसानियत चली गई तो धर्म क्या करेगा? अकेला इंसानियत ही नहीं है तो धर्म क्या करेगा? आप समझे? आप पूरे स्वार्थी बन गए। क्या बन गए? तो मैं राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, महावीर को मानता हूं, शिव स्वामीनारायण को मानता हूं, किसको भी मानता हूं, मानने का अधिकार है। मगर कोई भी धर्म या धर्मगुरु या दूसरे धर्म के भगवान की निंदा करने का अधिकार नहीं है। इतना तो मेरे में लेवल होना चाहिए। आप समझे कि नहीं? मैं भले किसी एक को मानूं कोई बात नहीं, मगर हर महान पुरुषों का कम से कम रिस्पेक्ट तो करो। मैं राम को मानता हूं, मगर कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है, रिस्पेक्ट तो करो। वो कोई गलत व्यक्ति तो नहीं थे ना? तो मगर आज कट्टरता क्या कहती है? भाई तुम राम को मानते हैं, कृष्ण के मंदिर में नहीं जाना। कृष्ण को मानते हैं तो महावीर के मंदिर में नहीं जाने का। महावीर को मानते हैं तो शिव के मंदिर में नहीं जाने का। शिव को मानते हैं तो स्वामीनारायण में नहीं जाने का। ये क्या है? इतना कट्टरता क्यों बनाते हो भैया? आप दुनिया की कोई भी थिएटर में जा सकते हो, होटल में जा सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते, एक ही मंदिर में जाओ बस। ये कट्टरता है, ये कहां का ज्ञान है, ये कहां की सच्चाई है? कोई भी होटल में जा सकते हैं, कोई भी थिएटर में जा सकते हैं, कोई भी कंट्री में जा सकते हैं, मगर कोई भी मंदिर में नहीं जा सकते। कितना अज्ञान आप तो देखो, कोई भी धर्मगुरु के पास नहीं जा सकते। भाई क्यों इतने अज्ञान का फैलाते हो? अगर कोई भी धर्मगुरु आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छी बात करेगा, इसमें से हमको क्या लेना है वो हमारी बात है, मगर कट्टरता क्यों खड़ी करते हो? आप समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? जब मेरे को बियर बार में जाना है, होटल में जाना है, थिएटर में जाना है, तो किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, मगर धर्मगुरु के पास जाना है तो परमिशन की जरूरत है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ये कौन सी सोच है आपकी, वो समझ में नहीं आती है। कितनी लो लेवल की सोच है। मैं समझा, कोई गलत काम करना है तो किसी का परमिशन है, अच्छे काम के लिए परमिशन? आप समझे कि नहीं समझे? तो सोच गलत है, ये सोच को निकालो। जाओ ना जाओ एक अलग बात है, मगर अपने आप को क्यों वर्तुल खड़ा कर देते हो, अपने आप को क्यों छोटा कर देते हो? भाई मैं इसको मानता हूं तो मैं जाता हूं, मगर आप उस गुरु के पास जाते तो वो भी अच्छी बात है, ऐसा बोलो। नहीं नहीं, हम तो बड़े हैं, तुम तो छोटे हो, ये तुमने हमारा धर्मगुरु ऐसा कहता है, तुम्हारा मैं ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? क्यों आप मेहर जेर खड़ा करते हो? आप समझे कि नहीं? ये बहुत गलती हो गई,
धर्म के माध्यम में, और इसीलिए मानवता जो अच्छी होनी चाहिए वो खराब हो गई। आप समझे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिंदुस्तान की जो संस्कृति है इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यही धर्मगुरुओं के माध्यम से। मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता हूं, मैं जनरल बात करना चाहता हूं। जो लोग कट्टरता सिखाते हैं वो अच्छा नहीं। कोई भी व्यक्ति है, सबको मुक्त कर दो, आप मेरे पास आए तो मैं आपको जो भी शिक्षा है मैं आपको दूंगा। कोई उसी के पास जाओगे, उनके पास जो होगा वो आपको देगा। आपको क्या प्राप्त करना है वो आपकी मर्जी है, मगर विरोध क्यों करते हैं? क्यों आखिर होता है? तो कोई भी थिएटर में जाना है कोई तकलीफ नहीं, होटल में जाना है कोई तकलीफ नहीं, मगर कोई धार्मिक स्थान में जाना है तकलीफ है, यहां जाना है यहां। ये कैसी सोच है आपकी? कोई भी व्यक्ति को पूछोगे तो भी समझेगा, ये कॉमन सेंस के बाहर की बात है, कहेगा कि नहीं कहेगा? ऐसे क्यों बनाते हो संप्रदाय? ऐसे अपने आप को छोटा क्यों करते हो और फिर वैर खड़ा करते हो? सही गलत करते हो, क्यों करते हो? देखो, दुनिया की कोई भी स्कूल में जाने के लिए सबका अधिकार है, कोई भी होटल में जाने का अधिकार है, सबको है। तो कोई भी धर्मगुरु के पास जा रहे हो, कोई भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, सबका क्या है? राइट है कि नहीं? मगर किसी का विरोध करने का राय नहीं, जाना है तो नहीं जाओ कोई बात नहीं, मगर विरोध करने का अधिकार नहीं, और इसमें आपका भी हित नहीं है, इतना समझ लो। बराबर है कि नहीं? अब कोई जगह पर नहीं जाना है तो कंपल्सन नहीं है आपको, मगर विरोध करना है, गलत कहना, वो आपका राइट, वो जानेगा, कहने वाला जानेगा, सुनने वाला जानेगा, तुमको क्या तकलीफ है? आप समझे कि नहीं समझे? ये पूरी सृष्टि का संचालक ही कुदरत है। क्या बताया? पूरी सृष्टि छह तत्वों से बनी है, छह तत्वों से चलती है, और यह हमारा मन वचन काया भी छह तत्वों से बना हुआ है, और इसीलिए कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे, तो दोनों एक ही है, अलग नहीं है। क्या बताया? अलग नहीं है, एक ही है, पूरी सृष्टि का संचालक ही एक है, कुदरत है, यानी छह तत्व है हमारे अंदर, जिसे आत्म तत्व कहते हैं, जय सच्चिदानंद के नाम से भी जानते हैं, तो जय सच्चिदानंद इस पर थोड़ा व्याख्या चाहूंगा मैं आपसे। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद की व्याख्या चाहूंगा। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद का मतलब क्या है? जय का मतलब होता है नमस्कार। क्या है? नमस्कार। सच्चित आनंद, सत का मतलब होता है शाश्वत, अविनाशी, परमानेंट। सत, फिर चित, चित का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन। क्या बताया? ज्ञान और दर्शन। और तीसरा शब्द है आनंद, जो शाश्वत है, जिसका ज्ञान दर्शन अविनाशी है और जिसका स्वभाव आनंद है, इसको मैं वंदन करता हूं। यानी ये कौन है? ये आपके अंदर रहे हुए शुद्ध आत्मा है। तो मैं किसी को जय सच्चिदानंद करता हूं, मतलब इनके आत्मा को जो सतचित आनंद स्वरूप है, इसको मैं वंदन करता हूं या नमस्कार करता हूं या दर्शन करता हूं। ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये कोई धर्म की बात, कोई गुरु की बात या टाइटल ऑफ गॉड की बात नहीं है, ये शाश्वत गॉड की बात है। किसकी बात है? जो सबके अंदर आत्मा के रूप में है, आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा और परमात्मा नहीं, मैं क्या कहता हूं, मैं आपको जो आप प्रश्न करते हैं उसका उत्तर देता हूं, तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? हो रहा है। हाँ, तो ऐसा उसका रिस्पॉन्स हो, आप मैं उत्तर देता हूं, दूसरा प्रश्न करते हो, फिर तीसरा प्रश्न करते हो, क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देते कि हाँ चलो ठीक है, समझ में आया सर, हिला रहा हूं सर। हाँ, तो रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मेरे को मालूम नहीं रहता है, आप सिर्फ प्रश्न करते रहोगे, प्रश्न का उत्तर में इंटरेस्ट है आपको, जैसे 50 प्रश्न लेके आया आपने उत्तर दे दिया, खत्म हो गया हमारा।
नहीं, आपको लगना चाहिए कि मेरे को उत्तर मिला है, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ऐसा रिएक्शन आप में दिखता नहीं है। प्लीज एक सर, इसी से कनेक्टेड में एक बात है कि वो सच्चिदानंद जिसे आत्म तत्व आपने कहा या उसी को बड़ा रूप में परमात्म तत्व कहा, वो निराकार है कि साकार है? निराकार, तो निराकार है, वो आनंद कैसे देगा? निराकार है, वो आनंद कैसे देगा? आपका प्रश्न बराबर है, उत्तर दूं? बोलिए। वो बोलते हैं कि निराकार जो है वो आनंद कैसे देता है? कुदरत कहता है रूप रस गंध स्पर्श में आनंद नहीं है, आकार रूप रस गंध और स्पर्श में आनंद नहीं है क्योंकि वो विनाशी है, वो मैन मेड है, क्या है इसमें आनंद का स्वभाव नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बिलीफ है। आनंद किसमें होता है? जो शाश्वत तत्व है उसमें आनंद है, ये उनका स्वभाव है, क्या है स्वभाव है। और जो विनाशी अवस्था है उनका स्वभाव नहीं है, ये इसका स्वभाव नहीं आनंद देना है, इसका स्वभाव नहीं आनंद देना, इसका स्वभाव नहीं आनंद देना, ये कार का स्वभाव आनंद देना नहीं है, ये पैसे का स्वभाव आनंद देना नहीं है, व्यवहार चलाने का, ये कपड़े का स्वभाव आनंद देना नहीं है, व्यवहार चलाने का साधन है, हम मानते हैं उसमें से आनंद मिलता है, वो नहीं कहता है कि मैं आपको आनंद देता हूं, मगर आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, और वो भी कैसा आनंद? शाश्वत आनंद। मगर अज्ञानता के वश हम विनाशी चीजों के अंदर से आनंद प्राप्त करके उसी चीजों की डिमांड करते हैं, यही चीज हमको बार बार मिलती रहे, और इसीलिए हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। जब समझ में आ जाएगा कि कुदरत साफ बोलती है कि दुनिया की कोई भी चीज जो आप पांच इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इसमें से कोई भी चीज के अंदर न मैंने सुख रखा है न मैंने दुख रखा है, सब आपके कर्मों की भुगतान है, फिर आपको सुख और दुख मानना वो आपका विषय है, क्या है मैंने नहीं रखा है, क्योंकि ये दुनिया कुदरत ने बनाई है, तो कुदरत कहते मैंने रखा नहीं है, अभी आपको मानना है कि सुख है कि दुख है वो आपकी मर्जी है। आप समझे ना, एक भिखारी को मैं 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए आनंद है, एक व्यक्ति BMW में से नीचे उतरेगा इसको 5 रुपया दूंगा तो इसको इंसान लगेगा, तो ये दोनों का व्यू पॉइंट है, कुदरत ने कहती कि इसको सुख मिला इसको दुख मिला, आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, इसमें कौन मना कर सकते हैं। कोई महल वाला व्यक्ति है, महल में से आया है और आपने उसको होटल में रखा तो बोला ऐसी होटल मेरे को नहीं पसंद आएगा, उनको रहना पड़ेगा, दुख लगेगा। और कोई सामान्य व्यक्ति को कहूंगा कि घर में जगह नहीं है तब मैं तो आपको होटल में रखूंगा, बोला कोई बात नहीं, आनंद की बात है। तो सुख दुख बिलीफ है या वास्तविकता है? बिलीफ है। आप इसको सुख दुख मानोगे तो क्या करेंगे? कुदरत कहते दुनिया में सुख दुख नहीं है, सिर्फ कर्मों का हिसाब है, हिसाब को आपको क्या मानना है वो आपकी मर्जी है। हिसाब का मतलब आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट मैं दूंगा, फिर रिजल्ट को आप सुख मानो दुख मानो वो आपकी मर्जी है। आप समझे कि नहीं समझे? अगर एक व्यक्ति सड़क पे सोता है उनको कच्ची झोपड़ी भी दे दी गया उनके लिए सुख की बात है, और अगर आप फ्लैट में रहते हैं और झोपड़ी में चले जाओगे तो दुख की बात है, तो दोनों की क्या है मान्यता है। कुदरत सुख दुख देती है, कुदरत कहती है कर्मों का हिसाब है, हिसाब को क्या मानना वो हमारा व्यू पॉइंट है, मगर वो सुख दुख नहीं है, मगर हम मानते हैं सुख या दुख कंपैरिजन है, मगर कुदरत क्या कहती है, मैं तो कर्मों का फल देता हूं और वो कंपलसरी है, चाहे राम है चाहे कृष्ण है चाहे महावीर है, अपने कर्मों की भुगतान करनी ही पड़ेगी, चाहे वो सुख से माने या दुख से माने। तो आपको जब अज्ञान होगा तो आपको सुख दुख लगेगा, अज्ञान नहीं होगा तो कर्मों का हिसाब लगेगा, हिसाब लगेगा तो राग द्वेष, और सुख दुख लगेगा तो राग द्वेष होगा ही, तो निकालना है क्या है अज्ञान, जो सुख दुख लगता है वो ही अज्ञान निकालना है कर्मों का हिसाब, जो पैदा हुआ है वो तो मरना ही है और जो पाया है वो खोना ही है, तो ये सबकी कॉमन बात है, फिर सुख दुख की क्या बात है। ये दुनिया में हम पैदा हुए हैं सुख दुख के लिए नहीं पैदा हुए, अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं, और पूरा करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, राम को वनवास जाना है तो जाना ही पड़ेगा, वो चाहे मंगल गुरु शनि की वीटी पहनेंगे तो भी बोलते नहीं है, चाहे चोरी लगाए चाहे नींबू लगाए चाहे मच्छर लगाए जाना ही पड़ेगा, कृष्ण भगवान कुछ भी करेंगे तो जेल में ही जन्म लेंगे,
बोलते नहीं है नहीं। और महावीर कुछ भी करेंगे तो भी कान मा खिला लगाना ही पड़ेगा। कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती नहीं है। बस आप मानो या न मानो कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी। इसको सुख मानो या दुख मानो वो आपके लिए कंपल्सरी है। आपको क्या मानना है वो आपकी मर्जी है। कुदरत कहती है मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूँ, मैं सबको अपने कर्मों का हिसाब देता हूँ। हिसाब को आपको क्या मानना है वो आपकी मर्जी है। अगर आपको वनवास हुआ इसको दुख मानना है दुख भी मान सकते हैं, सुख मानना है सुख भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। मगर मैं तो कर्मों का हिसाब देता हूँ। तो हिसाब देने वाला न्यूट्रल है, मानने वाला न्यूट्रल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसमें कुदरत क्या करेंगी? अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो फिर नया कर्म बनेगा, इसकी भुगतान भी आएगी। और न्यूट्रल बन गया बिना राग में स्वीकार कर लिया तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे। ये सिंपल बात है। क्या है यहां कोई गोल गोल बात है? नहीं है। ओके सर, एक चीज और इसी कनेक्शन में छोटी सी बात है। परमात्मा और आत्मा दोनों का थोड़ा सा विश्लेषण चाहूंगा। परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और हमारे अंदर आता है जीव आत्मा बोलते हैं आप है शरीर के अंदर में, और परमात्मा उसका विशाल रूप परमात्मा, तो दोनों में भेद क्या है? दोनों क्या अलग अलग हैं या दोनों तत्व एक ही है? धन्यवाद। इसी साथ में अपना कोई बात नहीं, जहां तक मैं अपने आप को अनुभव नहीं करता हूं मगर सिर्फ जानकारी है मेरी, वहां तक मैं आत्मा हूं। क्या बताया? मैं अपने आप को अनुभव नहीं करता हूं मगर जानता हूं। क्या बताया? जानता हूं। कोई कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला कि बोलता है मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया? बोलिए। अनुभव होने के बाद ही जाना जाएगा क्या सर? जानना वो इंफॉर्मेशन है, अनुभव करना वो एक्सपीरियंस है। जानने के बाद ही प्रोसेस शुरू होती है। मेरे को डॉक्टर बनना है ये मैंने पहले तय किया, बाद में प्रोसेस शुरू हुई। एक दिन में डॉक्टर बन गया। आप समझे ना? पहले मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आत्मा हूं ज्ञानी के माध्यम से, कि आखिर मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। तुमने कहा नहीं तुम शरीर नहीं हो, वास्तव में तुम आत्मा हो। शरीर तो विनाशी है और तुम अविनाशी हो। इनका तो अंत होगा, तुम्हारा अंत नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका और शरीर और तुम दोनों एक ही है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म है हजारों लाखों अवतार है, क्योंकि आत्मा एक है और जन्म मरण अनेक है। तो जन्म मरण जो है जिसका होता है वो आप नहीं है, और आप तो शाश्वत है। तो ये ज्ञान दिया, क्या दिया? अनुभव नहीं दिया, क्या दिया? ज्ञान दिया। तो ज्ञानी ने ज्ञान दिया उसको कहते हैं मैं शुद्धात्मा हूं। तो ज्ञान दिया, वो ज्ञान लक्ष्य में रख के हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं। कैसे मुक्त होंगे? तो कि अज्ञानता निकालेंगे। कौन सी अज्ञानता है? तो कि राग द्वेष होता है, मालिक की भाव होता है, कर्ता भाव होता है, और बार बार मैं शरीर हूं ऐसा हो जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है। और जब शरीर साधन है तो संबंध सत्ता संपत्ति भी क्या है? साधन है। तो इसीलिए साधन को साधन मानो, और आप साधन नहीं हो, आप शाश्वत हो, चेतन हो, अविनाशी हो। तो ये मानते हैं। बाद में अभी तो ज्ञान दिया, क्या दिया? फिर 5-15, 10-15 अवतार में वो ज्ञान को पक्का करता है कि मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर के साथ जो कुछ संयोग है वो मेरा नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। ऐसे करके करके धीरे धीरे अज्ञान खत्म होगा। क्या होगा? अंदर दृष्टि में हिसाब खत्म तो अपने आप होगा, अज्ञान खत्म होना चाहिए। अज्ञान से नया कर्म बनता है, हिसाब से कर्म नहीं बनता है। हिसाब तो रामकृष्ण महावीर को भी था, मगर अज्ञान नहीं था तो नए कर्म नहीं बने तो मुक्ति पाई। हमारे पास हिसाब भी है और अज्ञान भी है, तो पुराना खत्म होता है और नया शुरू होता है, तो जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो निकालना क्या है? अज्ञान। हिसाब को निकालना या बदलना नहीं है, वो कंपल्सरी है। क्या है? एग्जाम दिया है तो रिजल्ट की भुगतान करनी पड़ेगी, मगर रिजल्ट के साथ अज्ञान नहीं रहा तो नया कर्म नहीं बनेगा। तो इसीलिए अज्ञान को निकालना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस दिन पूरा अज्ञान निकल गया, क्या निकल गया? पूरा अज्ञान निकल गया, उस दिन आप परमात्मा हो गए। आत्मा ने क्या हो गए? क्योंकि अज्ञान नहीं है,
अज्ञान है तभी कहूंगा मैं शरीर है, ये शरीर मेरा है, ये सबक मेरे संपत्ति साधन सब मेरा है। जहां तक अज्ञान है, अज्ञान निकल गया तब मैं तो आत्मा ही हूं, ये तो है ही नहीं मेरा, न था न है, आप समझे, ये तो विनाशी है, मैं अविनाशी हूं, उनको कुदरत चलाती है, मैं तो स्वयं चलता हूं, तो दोनों क्या है, अलग है। तो ये ज्ञान मिलना वो बिगिनिंग है, क्या है, मगर अनुभव होना इसका एंड है। तो अनुभव हो गया तो परमात्मा हो गया, अनुभव नहीं है तो ज्ञान है, अनुभव नहीं है तो आत्मा है, अनुभव हो गया तो वो परमात्मा है। फिर एक बार अनुभव हो गया फिर अनुभव करने की जरूरत नहीं है, आत्मा से परमात्मा हो गया तो फिर अनुभव करने की जरूरत, आत्मा वो ज्ञान है और परमात्मा वो क्या है, अनुभूति। जैसे शरीर में ज्ञान है मगर अनुभूति क्या है, इस शरीर के माध्यम से सुख मिलता है, दुख मिलता है, कर्मों की भुगतान मिलती है, आप समझे ना, ये अनुभव है। क्या है, शरीर वो ज्ञान है मगर शरीर के साथ जो संयोग मिलता है वो हमारी क्या है, अनुभूति। ऐसे आत्मा वो ज्ञान है मगर आत्मा का अनुभव हो गया कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मन वचन काय से मुक्त हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ, ऐसा अनुभव हो गया तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, वहां तक पुरुषार्थ की जरूरत है। परमात्मा वो ऐसा मानते हैं वहां तक पुरुषार्थ की जरूरत है, परमात्मा हो जाने के बाद पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए स्वामी जी। आपने कहा कि आत्मा की अनुभूति ही परमात्मा होना है, तो अनुभूति कैसे होगी, क्योंकि अपन तो बहुत कोशिश करते हैं कि अनुभूति हो लेकिन अनुभूति हो नहीं पाती। अनुभूति नहीं होती है क्योंकि अज्ञानता का कर्टेन है। क्या है, कर्टेन, अज्ञानता का, अगर वो कर्टेन निकाल लोगे तो अनुभूति होगी। तो ये अज्ञानता का जो कर्टेन है ये अपन कैसे धीरे धीरे हटाते जाए, सनातन सत्य जान के निकाल सकते हैं, धार्मिक सत्य से अज्ञान नहीं निकाल सकते, धार्मिक सत्य से सिर्फ पाप और पुण्य बना सकते, अज्ञान नहीं निकाल सकते, अज्ञान सिर्फ सनातन सत्य जान के अज्ञान निकाल सकते, धार्मिक सत्य ही रिलेटिव सत्य है, वो शाश्वत सत्य नहीं है। तो शाश्वत सत्य से अज्ञान बदल सकते हैं मगर निकाल नहीं सकते। अज्ञान निकालना है तो सनातन सत्य चाहिए जो कभी परिवर्तन नहीं और सबके लिए एक है। धार्मिक सत्य सबके लिए क्या है, तो उससे अज्ञान नहीं, अज्ञान चेंज हो सकता है मगर निकलता है नहीं। आप आज राम को मानोगे फिर कृष्ण को मानो फिर महावीर को मानो फिर शिव को मानो फिर स्वामीनारायण को मानो और किसी को मानो तो अज्ञान चेंज होगा, क्या होगा मगर निकलेगा नहीं। अज्ञान कैसे निकलेगा, जब तुम शरीर से आत्मा को मानोगे, क्या बताया, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो ये अज्ञान निकला होता है इस लेवल का, 100% नहीं, एक दृष्टि होगी। फिर ये शरीर में नहीं हूं आत्मा हूं, पहला अज्ञान। दूसरा, ये शरीर को चलाने वाला मैं हूं, वो अज्ञान था, अभी मालूम हुआ ये शरीर को चलाने वाला तो कुदरत है, ये दूसरा अज्ञान। ऐसे अज्ञान को निकालना पड़ेगा। फिर सुख दुख देने वाले व्यक्ति है ऐसा मानते हैं, वो अज्ञान है, तो सुख दुख देने वाला व्यक्ति कौन है, वो तो निमित्त है, हमारे कर्मों के हिसाब से वो सुख दुख देता है, तो ये भी अज्ञान निकालना है। मैंने, किसी ने मेरे को दिया है, किसी ने मेरे पास से ले लिया, ये मान्यता वो अज्ञान है, तो वास्तव में क्या है, ये तो कर्मों का हिसाब है, ये मानोगे तो अज्ञान निकलेगा, उन्होंने दिया उन्होंने लिया ऐसा मानोगे तो अज्ञान बढ़ेगा, तो निकालना क्या है, अज्ञान। बिना अज्ञान निकले परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। परमात्मा का ज्ञान हो सकता है कि मैं आत्मा हूं मगर परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि अज्ञान के कर्टेन है। क्या है, अज्ञान की कर्टेन, वो कर्टेन को निकालना है, समझ में आया है। और हमारे और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अज्ञान का है, फिजिकल डिस्टर्ब नहीं है, अज्ञान का डिस्टर्ब है। एक शब्द आता है अरहम, अरहम, तो क्या ये जय सच्चिदानंद का सब्स्टिट्यूट है क्या,
अहम का मतलब होता है परमात्मा। अलग अलग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, मीनिंग एक होना चाहिए बस। हम कोई भी शब्द को संप्रदाय से जोड़ते हैं, ये हमारी गलती है। क्या है गलती? बस जब पानी पीते हैं तो बोलते हैं कि जैन का पानी है, वैष्णव का है, शिव का है, स्वामी का बोलते हैं, या हवा लेते हैं तो बोलते हैं, ये कुदरत का है। ये टुवाल किसका है? रो मटेरियल, कुदरत का नहीं है। ये मकान बनाया, रो मटेरियल किसका है? कुदरत का नहीं है। आप फर्नीचर बनाओ, रो मटेरियल किसका है? तो कुदरत का सब कुछ है, तो फिर आप इसको क्यों आप इसमें वो सांप्रदायिक मोड़ दे देते हो? वही तो तकलीफ है आपकी। भी राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, महावीर ने कहा, वो क्या कहा? वो सनातन सत्य कहा है, अपनी बात नहीं कही उन्होंने। मगर आपने क्या कहा? ये राम की बात है, बस ये गलत हो गई आपकी बात। राम ने जो कुछ कहा ये दुनिया की सच्चाई को अनुभव करके आपको बताया है, ये उनका नहीं था। बोलते नहीं है सही है। राम तो विनाशी थे, यस के नो, आत्मा अविनाशी होता है, राम अविनाशी होता है। और राम ने जो कुछ भी किया वो दुनिया का अनुभव करके लोगों को बताया है, वो उनकी बात थोड़ी थी, अनुभव इनका था, मगर बात तो सनातन सत्य थी ना। कृष्ण ने जो बताया वो सनातन सत्य की बात बताया, महावीर ने जो बताया वो सनातन सत्य की बात बताया, वो उनकी बात नहीं थी, उनका अनुभव था। मगर हमने क्या कहा? ये महावीर की बात है, ये कृष्ण की बात है, ये राम की बात है, संप्रदाय खड़े हो गए। और वही बातों को मैं आज दूर करना चाहता हूं। हर बातों को सनातन सत्य के रूप में देखो, चाहे राम की है, कृष्ण की है, या महावीर की है, संप्रदाय के रूप में, धर्म के भाव में मत देखो। यही तो कट्टरता खड़ा करती है। क्या करती है? और वास्तविकता भूल जाते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? तो वास्तविकता को समझे। सनातन सत्य किसी का हो सकता है? नहीं, किसी का नहीं हो सकता है। न राम का है, न कृष्ण का है, न महावीर का है, न मेरा है, न आपका है। सनातन तो सनातन है ही, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, इसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि राम का सनातन सत्य है? बोल सकते हैं, ये कृष्ण का है बोल सकते हैं, महावीर का है बोल सकते हैं, मगर ऐसा बोल करके हमने क्या बना दिया? संप्रदाय बना दिया। फिर राम ने ऐसा कहा तो क्या कृष्ण को मैं नहीं मानूंगा, कृष्ण ने ऐसा कहा तो महावीर को नहीं मानूंगा। बात तो यही हुई ना, किसी ने ये नहीं कहा कि ये सनातन सत्य, यही तकलीफ हो गई। और आज वही बातों को मैं रीओपन करना है, मेरी बात कोई नई बात नहीं है, मगर जो संप्रदाय का फॉर्म था इसको खोल के उसके ऊपर जाके मैं बताता हूं कि ये सनातन सत्य की बात है। राम ने भी जो कहा है वो भी सनातन सत्य है, महावीर ने कहा वो भी सनातन, कृष्ण ने भी कहा वो भी सनातन सत्य, शिव में भी लिखा है वो भी सनातन सत्य। मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, मैं कोई व्यक्ति की बात करना नहीं चाहता और नहीं कहीं नया संप्रदाय और मोड़ देना चाहता हूं। उसमें से आप ऊपर जाओ, इसका विरोध नहीं करो, इसे क्या जाओ? ऊपर जाओ। आपका विजन यहां तक है, इसे ऊपर ले जाओ। आप समझे ना? तभी आपके अंदर से कट्टरता और अज्ञानता निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, नहीं तो और पक्की हो जाएगी। आप समझे? जी। तो ये अज्ञानता कितनी गहरी है हमारे अंदर। एक शब्द और आया था, जय सच्चिदानंद, इस शब्द में सारे मंत्र आ जाते हैं, ये कहीं पर कथन आया था तो उसको कृपया समझाने का समझाइए। मैंने कहा वो तो आत्मा को नमस्कार है, बस इसमें से क्या है मंत्र की तो बात क्या है? सभी व्यक्तियों के अंदर जो आत्मा है सत्चित आनंद स्वरूप में उसको नमस्कार करता हूँ, वो सब कुछ है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये शरीर है मगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस फिर आपको जो भी मोड़ देना है दे सकते हैं। बात तो एक ही है, आत्मा ही सब कुछ है, सर्वस्व है, वही चेतन है, वही अविनाशी है, वही सब कुछ अनुभूति करने वाला है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आप इसको कोई भी बात बताना चाहते हैं बता सकते हैं, आत्मा ही सर्वस्व है बस। एक जगह पर आपके प्रवचन में आपने कहा था कि दिन में 20-25 बार शरीर से बाहर खड़े होकर भी शरीर को देखो, तो उसको थोड़ा बताइए। कहने का मतलब ये है कि शरीर है या नहीं है, मगर हमको हर समय एहसास होना चाहिए कि आखिर शरीर जो है वो तो विनाशी है और हम अविनाशी हैं। तो ऐसा सोचो कि शरीर नहीं है तो भी हम तो है ही। हर बात में मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा भुगतान किया, ये मेरा है तेरा है, यही मान्यता से हम बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप बाहर निकल के सोचो आखिर मैं क्या हूं।
ये जो कुछ भी मेरा मेरा बोलते हैं, मैंने किया बोलता है, वो शरीर की बात है, वो मेरी बात नहीं है, मैं उससे क्या हूँ? तो ऐसा अलग होकर सोचोगे तो मालूम होगा आखिर ये जो मैं हूँ, मेरा है, मैंने किया है, वो सब कुछ मैं नहीं हूँ। ये सब अज्ञानता है, सब भ्रांति है। वो भ्रांति को तोड़ना है। हिसाब तो कंपल्सरी आएंगे मगर भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो भ्रांति ही अज्ञानता है और भ्रांति को निकालना है। किसको निकालना है? भ्रांति को। और यही भ्रांति को निकालने के लिए ये सनातन सत्य या कुदरत का कानून समझने की जरूरत है। ये कोई धार्मिक कानून नहीं है, संप्रदाय का कानून नहीं है, कुदरत का कानून है। तो कुदरत के कानून का कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं होता। धर्म का ऑप्शन हो सकता है, आप ये धर्म को पालन करो, नहीं तो आपको इसको इसको फॉलो करो, नहीं तो इसको फॉलो करो, नहीं तो इसको फॉलो करो। धर्म में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं मगर कुदरत के कानून में ऑप्शन है नहीं है। तो ये सनातन सत्य की बात है और ये सांप्रदायिक सत्य है। धर्म क्या है? सांप्रदायिक सत्य है। इसी से तो हमारा दिमाग में कट्टरता पैदा हो गई और वास्तविकता कभी समझ में आई ही नहीं हमको। आज यहां बैठे हुए कितने लोग हैं, किसको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है? सब लोग ये मानते हैं कि राम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है महावीर भगवान है, कोई कहता है शिव भगवान है, कोई कहता है स्वामीनारायण भगवान है। कहते हैं कि नहीं कहते? वास्तव में भगवान कौन है? मगर नाम बना दिया तो भेद बन गए, फिर कट्टरता बन गई। जब आत्मा को भगवान मानोगे तो सब में है कि नहीं? तो फिर भेद रहेगा नहीं रहेगा। पैर में भी ये जो ट्री है उसमें भी आत्मा है, एनिमल में भी आत्मा है, इंसान में भी आत्मा। आत्मा कहाँ नहीं है तो भगवान कहाँ नहीं है? सभी जगह पे भगवान है। जहाँ जीव है वहां शिव है, जहाँ प्रकृति है वहां परमात्मा है, जहाँ विनाशी है वहां अविनाशी। हमारी देखने की दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? आप कहेंगे मंदिर में ही भगवान है और वो भी एक ही प्रकार के नाम के भगवान है, वो तो आपकी मान्यता है। आखिर आत्मा ही तो परमात्मा है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? मगर आपने टाइटल दे दिया भगवान का, तो फिर क्या हो गया? संप्रदाय हो गया। तो चार बात को ध्यान में रखना। भगवान कभी नाम ही नहीं होते। क्या नहीं होते? जिसका नाम है इसका नाश है। यह सुनो, भगवान रूप ही नहीं होते, जिसका रूप है उसका भी विनाश है। भगवान टेम्पररी नहीं होते, परमानेंट होते। और भगवान जन्म मरवाए नहीं होते, अजन्म और अमर अविनाशी होते। समझ में आ गए? तो ये बात समझ में आना चाहिए कि भगवान कैसे है। अनामी, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट है। और वो कौन हो सकता है? सिर्फ आत्मा। आत्मा का न नाम है, न रूप है, न जन्म मरण है और परमानेंट है। तो आत्मा सबके अंदर है, इसमें भगवान मानोगे कोई तकलीफ नहीं है। मगर व्यक्ति को भगवान ने मान लिया तकलीफ हो जाएगी। मैं राम को मानता हूँ तो कृष्ण को नहीं मानूंगा, कृष्ण को मानता हूँ तो महावीर को नहीं मानूंगा, क्योंकि संप्रदाय की बात है। तो संप्रदाय में तो यह रहेगा। मैं संप्रदाय से ऊपर उठने की बात करता हूँ, मैं संप्रदाय को त्याग करने की बात नहीं करता हूँ। आपकी दृष्टि को ऊपर ले जाओ, भले जो भी धर्म का पालन करते हो करते रहो मगर आपकी दृष्टि को क्या ले जाओ? ऊपर ले जाओ और ब्रॉड बनाओ, संकुचित मत बनाओ, तभी आपको दुनिया की वास्तविकता समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारी अज्ञानता को निकालने के लिए ये सनातन सत्य समझना है और किसी के लिए समझना नहीं है। कोई धर्म, गुरु, भगवान, संप्रदाय या संस्था के लिए ये सनातन सत्य नहीं समझना है, खुद के लिए समझना है, क्योंकि खुद के अंदर अज्ञान है, इसको मिटाना है। आप समझे? इसीलिए कोई संस्था, व्यक्ति या गुरु या धर्म को गलत कहने के लिए विज्ञान नहीं है, नहीं। अपने अंदर जो अज्ञान बैठा है इसको मिटाने के लिए है। समझ में आया? व्यवहारिक जीवन में धर्म का आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन आप लोग जो संदेश दे वह काफी ऊंचे स्तर की है। आज पूरी जनमानस जो सामान्य रूप से जो जीवन जीते हैं, जो अनेक प्रकार से अज्ञानता से, दुर्गुणों से, कई प्रकार के दोषों से घिरे हुए हैं, उनको अगर ऊंचा उठाना है तो धर्म की आड़ लेना ही पड़ता है। और यह आज की जो समय है, युग है,
इस अज्ञानता से घिरी हुई है, और वहां तक जो बातें आपने बताया बताई जा रही है आपके द्वारा आत्मा परमात्मा की उच्च स्तरीय जो बातें हैं, परमात्मा के स्तर की बातें हैं, यह सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, यह उच्च स्तरीय लेवल की बात है। और सामान्य जनों में जैसे कि हम लोग जो मिडिल स्तर के होते हैं और जो गुरु या जो ईश्वर के द्वारा जो संदेश जो दिया जाता है, भगवान कृष्ण ने कहा था कि युग धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया था कि आप केवल युग धर्म निभाइए, कौन जीता है कौन मरता है कौन अपना है कौन पराया है इस पर आप मत जाइए। वही हम जो है मध्यम स्तर के लोग जो हैं, सामान्य लोग जो काफी नीचे स्तर के जीवन हैं, हम लोग व्यवहार से धर्म से यज्ञ से हवन से कर्मकांड से उन लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको ये सामान्य जनों को ऊपर स्तर तक आने में कितना समय लग सकता है, यही हम लोग काम करते हैं। आपके प्रवचन से ये अनुभूति भी या तो कोटि का ज्ञान है ही, लेकिन सामान्य जीवन जीकर हम लोग उन लोगों को उस स्तर तक क्रम से एक एक मतलब से उसको उठाकर उस स्तर पर उस लेवल पर ले जाया जा सकता है, तो सामान्य लोगों की अवस्था जो है समाप्त हो सकती है और नया जो जनरेशन आएगा हो सकता है वह आपके स्तर तक पहुंचे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है। देखो पहली बात तो ये कि आप थोड़े लेट आए, आप लेट आए। बिगिनिंग में मैंने मानव धर्म की बात किया था, फिर सामाजिक धर्म की बात किया और फिर आध्यात्म की बात किया। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा, तो मानव धर्म के अंदर सब कुछ आ गया, ह्यूमैनिटी, फिर धार्मिक धर्म आ गया, इसमें रिचुअल्स आ गए, और फिर मैंने आध्यात्म की बात कहा। तो तीनों स्टेप मैंने पहले से बताए हैं, मगर आप लेट आए तो पहला दोनों स्टेप में आप नहीं थे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपने बताया कि आप जो स्तर की बात करते हो वो हाई लेवल का स्तर है, सही बात है, मगर हाई लेवल का स्तर है और मिडिल मैन के लिए ये अभी समझना इतना आसान नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या संदेश है या सामान्य लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो समाज के अंदर आज बाल मंदिर से के लेकर पीएचडी तक सभी प्रकार के स्टूडेंट भी हैं और सभी प्रकार के टीचर या प्रोफेसर भी हैं, और सभी टीचर और प्रोफेसर की जरूरत है और सभी प्रकार के स्टूडेंटों की भी जरूरत है, नहीं तो टीचर काम नहीं आएंगे ना। अगर बाल मंदिर का स्टूडेंट नहीं रहेगा तो बाल मंदिर का टीचर क्या करेगा, और अगर पांचवी कक्षा का स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर क्या करेगा, अगर ग्रेजुएट का टीचर नहीं रहे प्रोफेसर नहीं रहेगा तो प्रोफेसर कैसे काम करेगा, अगर पीएचडी का कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर कैसे काम करेगा। यानी ये समाज के अंदर हर प्रकार के स्टैंडर्ड है और हर प्रकार के टीचर भी होते हैं, आपको समझ में आया ना। तो कई लोगों को लगता है कि ये बात हमारी जरा थोड़ी भारी लगती है, तो वो निचले स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, हम कोई मना नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं जो बात करता हूँ ना कोई धर्म की बात करता हूँ, ना कोई संप्रदाय की बात करता हूँ, ना वाड़ाबंदी की बात करता हूँ, ना व्यक्ति की बात करता हूँ, ना संस्था की बात करता हूँ, ना रिचुअल्स की बात करता हूँ, आप समझे, तो मैं इसकी बात ही नहीं करता हूँ। तो जिसको लगता है कि मैं धर्म के मार्ग से ऊपर उठना चाहता हूँ, धर्म गलत कहेंगे नहीं, धर्म से ऊपर उठना चाहता हूँ, धर्म को रॉन्ग करके नहीं, उसकी लिमिटेशंस है, मैं स्कूल में से कॉलेज में जाना चाहता हूँ उनके लिए बात है, उसका मतलब ये नहीं कि स्कूल गलत है, मैं पास हो गया हूँ क्या हो गया हूँ, मेरे को आगे जाना है। तो जो लोगों को लगता है कि मैं धर्म तो कितने अवतार उसमें करके आया हूँ, पाप और पुण्य की बातें समझ के आया हूँ और धार्मिक रिचुअल्स करके मैंने बहुत सारा पुण्य भी किया, गलती किया तो पाप भी हुआ मेरे से, और पाप पुण्य बनते ही रहे कहीं अवतारों में, अभी मेरे को उससे ऊपर जाना है आगे जाना है, तो इसके लिए आध्यात्म है। कोई कहता है कि मेरे को आध्यात्म समझ में नहीं आता है या तो समझने की जरूरत नहीं है, तो आप धार्मिक बात तो समझ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, इतने सारे धर्म हैं, मैं मना तो नहीं करता हूं किसी को। तो जिसको ऊपर उठना है उसके लिए यहाँ है, जिसको कहता है कि अभी मेरे को जरूरत नहीं है तो कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई भी धर्म गुरु के पास जा सकते हैं, कोई भी रिचुअल्स को फॉलो करें, कोई सामाजिक काम करते हैं तो भी करें, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप समझे मैं क्या कहता हूँ,
मेरा काम, मैं जिस प्रकार का विजन लेके आना हूं, मैं समाज के सामने वो पेश करना चाहता हूं कि मेरी बात जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और जो व्यवहार सत्य से बियॉन्ड की बात करता हूं, वो मेरी बात, मेरा विजन है, और सबको समाज में देना चाहता हूं, जिसमें राग द्वेष संप्रदाय वाड़ा बंदी ये सब कुछ नहीं आता है। आप समझे? तो ये मेरी सोच है और ये मेरा विजन है, ये मेरा अनुभव है, और सबको पेश करता हूँ। कोई कहता है मेरे को पसंद नहीं आता है, तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन, मैंने कहा कि ये संप्रदाय नहीं है कि आप यहाँ आए तो कहीं नहीं जा सकते, ये शब्द नहीं है। आप समझ में आए? समझ में आए? मगर जिसको लगता है कि मेरे को धर्म करते करते बहुत अवतार हो चुके हैं और यही पाप पुण्य करते ही रहे, हमको इससे ऊपर जाना है, तो वेलकम हियर। वो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को अभी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अभी जो है वही बराबर है, तो जहां भी जाना चाहते मगर जाए। मगर मेरी इतनी राय है कि आप कोई भी धर्म संप्रदाय गुरु भगवान और संस्था को फॉलो करो, फिर भी सभी धर्म गुरु संप्रदाय और उसकी क्रियाकाल को रिस्पेक्ट करो, बस भले फॉलो एक को करो। किसी का विरोध करने का अधिकार कुदरत ने नहीं दिया है। कोई एक धर्म का फॉलो करो वो गलती नहीं है, किसी का विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब कुदरती रचना है। आप समझे? आपको मैं राम को मानता हूं और राम की बात को फॉलो करूंगा, या कृष्ण को मानता हूं उनकी बात फॉलो करूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। मगर राम कृष्ण महावीर शिव और स्वामी है, किसी का विरोध करने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो इतना तो कम से कम आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी कोई भी व्यक्ति धर्म करना चाहती है, अच्छी बात है, कोई इसमें गलती या गलत नहीं है। मगर आज जिस प्रकार से धर्म और संप्रदाय कट्टर बन गए, धर्म गुरु कट्टर बन गए, ये अच्छा समाज के लिए नहीं है। हमारा काम जोड़ने का होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। आप समझे? या आप राम को मानते हैं, अच्छी बात है, कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, अच्छी बात है, कोई कहता है महावीर को मानता हूँ तो भी अच्छी बात है, कोई कहता है मैं शिव को मानता हूँ तो भी अच्छी बात है। आप ऐसा क्यों बोलोगे ये सही है ये गलत है? ये सोच अच्छी नहीं है। वो तो वो धार्मिक सोच भी अच्छी नहीं है। आप समझे ना? कोई भी धर्म का पालन करते इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आए? स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चरण विधि में आता है मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, और मैंने दादावाड़ी में पढ़ी थी कि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब दर्शन है, तो मुझे क्लियर नहीं समझ में आया है, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, बाकी सब कुछ समझ में आया है, और यही एक शब्द में मेरे दिमाग उलझता है। अनंत दर्शन का मतलब होता है कुदरत का कानून। क्या बताया? कुदरत का कानून, बस वो अनंत दर्शन है। मगर कुदरत का कानून हम नहीं समझते हैं, तो लौकिक दर्शन से दुनिया को नापते हैं, बस ये हमारा मिथ्या दर्शन है। जय सच्चिदानंद। समझ में आए? ओके, प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किया है वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि
ऐसी कृपा करेंगी, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्याकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।